हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हमने पिछले दो लेक्चर्स में बहुत ही प्यारे तरीके से इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट किया था। हाँ जी, हमें भाई अपन ने बेसिक सारे टर्म्स देखे थे। एक बार अपन फटाफट से उनको रिवाइज करना चाहेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ओके अहमद भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना हमारे कुछ नियम होने वाले हैं। हम हर एक क्लास में दो काम जरूर करेंगे। पहला कि आपसे आपका हालचाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों कैसे हो? सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई सब कुछ अच्छा जा रहा है? आई रियली होप सब कुछ एक प्रॉपर अच्छे तरीके से स्मूथ सिंक वे में जा रहा होगा। एंड इफ नॉट तो एक बात याद रखना गाइस, लाइफ अपनी हुआ करती है, मेहनत हमें खुद को करनी होती है, आगे हमें खुद को बढ़ना होता है। तो अपनी लाइफ के हीरो खुद बनो, मेहनत खुद करो, आगे बढ़ने के सपने खुद देखो और आगे भी खुद बढ़ो। ओके अमन भाई, पर कभी भी किसी भी टाइम पे ऐसा आपको लगे कि यार एक कोई अपने को बड़ी चाहिए, कोई एक हेल्पर चाहिए कि जो हल्का सा गाइड कर सके, तो याद रखना आपके अमन भाई हमेशा आपके साथ है। डन। इसके बाद मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा जो हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था। हाँ जी अमित भाई, अपन रिवाइज कर सकते हैं, तो आ जाओ फटाफट से। चलो, मैंने आपको सबसे पहले तो चार डेफिनेशंस बताए थे। हाँ जी अमित भाई, कौन कौन से? मैंने आपको बताया कॉस्ट किसको कहते हैं, बोला जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर या नॉमिनल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट। बहुत अच्छे। फिर मैंने बोला कॉस्टिंग किसको कहते हैं, आपने बोला हर वो तरीका जिससे मैं कॉस्ट निकाल सकूं, कैलकुलेट कर सकूं, उसे कॉस्टिंग बोलेंगे। परफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बोला बता दो बाबा मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो आपने मुझसे कहा कि अमित भाई अगर मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट सो दैट मैं डिसीजन ले सकूं, प्लानिंग कर सकूं, कंट्रोलिंग कर सकूं, तो उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। और फाइनली कॉस्ट मैनेजमेंट अपन कहते हैं जब मैं फाइनली डिसीजन ले लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने हमारे लिए क्रिएट करके दी थी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके बाद जरा बता दो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले होता है अमित भाई, उसका काम ही है कि हमारे लिए कॉस्ट फाइंड आउट करके दो। जैसे ही कॉस्ट पता चल गई, मैं सोचता हूँ कि मेरे को इतना प्रॉफिट करना है तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप इसके बाद हमारे पास होता है कि जैसे ही आपने प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लिया, आप भैया मेरे को बताओ आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है या आपको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। डन अमित भाई। इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ में अपन क्या करेंगे, फिफ्थ में लास्ट में अपन देखेंगे असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फाइनली वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है अमित भाई, ये पांच पॉइंट्स अपन ने देखे। इसके बाद ना मैंने आपको कॉस्ट का बाइफरकेशन करना सिखाया था कि कॉस्ट कितने तरह की होती है। सबसे पहले अमित भाई आपने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसका नेचर कैसा है, तो मैंने बोला तीन तरह की कॉस्ट होती थी। एक होता था मटीरियल, एक होता था लेबर, एक होता था एक्सपेंसेस। ठीक है, मटेरियल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ करते थे, लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ करते थे, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ करते थे। मटेरियल मतलब हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ। हाँ अमित भाई। उसके बाद लेबर, बाबा जब भी इंसान अपनी मेहनत लगाता है उसको बोलते हैं लेबर। और एक्सपेंसेस ऐसा कोई खर्चा जो ना मटेरियल ना लेबर है। डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है और मैं हर एक मटेरियल को एक यूनिट से रिलेट कर सकता हूँ। जब आप एक यूनिट एक जूते से रिलेट कर सको उसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट, और जब एक से रिलेट ना कर सको उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आपको मैंने बाइफरकेशन सिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कि अमित भाई वो या तो वेरिएबल होगा या तो फिक्स्ड होगा या सेमी वेरिएबल होगा। कैसे? मैंने बोला कि अमित भाई अगर पर यूनिट सेम है और जैसे जैसे यूनिट बढ़ाऊंगा बढ़ता चला जाएगा, वो है मेरा वेरिएबल। उसके बाद अमित भाई टोटैलिटी में सेम है और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाता हूं पर यूनिट गिरता चला जाएगा, वो है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे, मैंने आपको पढ़ाया था बाइफरकेशन कैसे करते हैं सेमी वेरिएबल का फिक्स्ड और वेरिएबल में। कैसे? अपन ने सीखा दो काम करो, टोटल
सेमी वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स का डिफरेंस। ये दोनों काम कर दो, काम खत्म, अपने पास आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी अमित भाई, इसके बाद अपने पास क्या आने वाला है? जैसे ही अपन ने ये सॉल्व किया, मैंने आपको नेक्स्ट बताया कॉस्ट क्या। अमित भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी, मतलब आपकी कॉस्ट नॉर्मल है या थोड़ी सी हाफ क्रैक पागल है, नॉर्मल या एबनॉर्मल। हाँ अमित भाई, वो कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर होती है प्रोडक्ट बनाने में, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल गिवन सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मली इनकर नहीं होती है। जैसे कि मान लो भैया, जब भी मैं सामान मंगाता हूँ ना 100 किलो का, 2 किलो सामान बर्बाद हो ही जाता है, ये है मेरी नॉर्मल कॉस्ट। जैसे कि अगर मैं कॉपी खरीदता हूँ ना, हाँ जी अमित भाई, तो कॉपी के 5 पेज ऐसे होते हैं जो मैं वेस्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। पर हम पढ़ रहे थे और गरम गरम चाहत ते डुल गई, गरम गरम चाय आपके हाथ से डुल गई, तो आपके 60 पेज बर्बाद हो गए, ये 60 पेज मेरे अब नॉर्मल लॉस हो जाया करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया, देखो यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट और मेरी टोटल कॉस्ट। मान लो आपने क्या किया अमित भाई, हमने क्या किया, आपने खरीदा 120 पेज 240 रुपए के, मतलब 2 रुपए का एक, 1 रुपए में, एक सेकेंड, हाँ, आपने 120 यूनिट खरीदा कितने में, 150 रुपए में, ठीक है। कितनी कॉस्ट पड़ी, 1.25। उसके बाद 5 पन्ने बर्बाद हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉस्ट माइनस नहीं होती। नॉर्मल कॉस्ट में यूनिट माइनस करता हूँ, कॉस्ट माइनस नहीं करता, डन। इसके बाद 115 पेज बचे, कॉस्ट हो गई 1.3, टोटल आ गया हमारे पास, जल्दी बता दो, 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 150 टोटल बन गया। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे वापस से एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल में यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट और मेरा टोटल कॉस्ट, चलो फटाफट से आप बताना चाहोगे, ठीक है अमित भाई, चलो देखते हैं। यहां पे मान लो अपने पास क्या है, टोटल यूनिट्स 120, 1.25 आएगा 150, होगा क्या, 60 पेर बर्बाद होंगे 1.25 के रेट पे, और यहां पे 75 बच जाएगा, 60, 1.25 के रेट पे 75। तो इसको बोला करते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट, जहां पे यूनिट्स और आपकी कॉस्ट भी माइनस हुआ करती है, डन डनाडन डनाडन डन। तो यहां तक हमने खत्म किया था, और आज मैं और आप मिलके फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला बड़ा चैप्टर, जिसका नाम है कॉस्ट शीट। तो तैयार हो? हाँ जी अमित भाई, हम सब तैयार हैं, अब मिलके स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट शीट वाले चैप्टर को। तो अमित भाई, आप हमें ये बताओगे कि सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमेशा हमेशा हमेशा, देखो बाबा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, किधर है किधर है किधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये देखो पहला ही क्वेश्चन कॉस्ट शीट का आ गया। आपको ये क्वेश्चन बनाने मिलता ही मिलता है, हर बार ये क्वेश्चन आपको एक 7 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का देखने को मिल ही जाएगा, पक्का पक्का एग्जाम के अंदर। तो पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं जो है हमारा 7 मार्क्स का। तो अगर 100 में से 7 सोचूं, तो बाबा मैं 7% पहले ही चैप्टर 7% डिजर्व करता है, और बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है अमित भाई। सबसे पहले तो ना अमित भाई, आप हमें ये बताओगे कि कॉस्ट शीट कहते किसे हैं। आ जाओ देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कॉस्ट शीट होता क्या है। कॉस्ट शीट अमन भाई, कुछ ना कुछ तो ये शीट के बराबर होता होगा, एकदम ये शीट के बराबर होता होगा। देखो ये देखो, कुछ ऐसा टेढ़ा सा एक शीट टाइप की होती है, हां जी अमित भाई, जिसमें जनरली ना पता है क्या लिखा होता है। अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मान लो ये मैंने संदूक, संदूक संदूक आपने एक छोटी सी संदूक बनाई, ठीक है, हाँ अमित भाई ये संदूक बनाई। इसको बनाने के लिए, चलो संदूक हटाओ, संदूक से समझ में भी नहीं आएगा, मान लो आपने एक दरवाजा बनाया, ये रहा दरवाजा, ये रहा दरवाजे का हैंडल, और ये रहा ऊपर की डालने के लिए स्पेस, ठीक है अमित भाई। मान लो आपने ये दरवाजा बनाया और इसमें बहुत सारे ऐसे फूल पत्ती के डिजाइन भी दिए, हाँ अमित भाई यहाँ पे भी ऐसे फूल पत्ती के डिजाइन भी दिए, ठीक है अमित भाई। इसको बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल लगे होंगे, आपका कुछ लेबर लगा होगा, आपके कुछ खर्चे लगे होंगे,
कुछ याद करो, इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह टाइप की भी चीजें लगी होंगी। हाँ जी अमित भाई, तो किसी एक सामान को बनाने के लिए आपका जितना खर्चा लगता है, मैंने क्या बोला, एक सामान को बनाने के लिए, आप सब मेरे साथ रहोगे ना, एक सामान को बनाने के लिए जितना खर्चा लगता है, उस सारे खर्चे को जब मैं अलग अलग लिख दूं कि भैया इस पे मटेरियल लगा इतना, लेबर लगा इतना, एक्सपेंस लगा इतना, ये लगा इतना, ये लगा इतना, ये लगा इतना, जब सारे खर्चे को अलग अलग लिख दिया जाए, उस सारे खर्चे को अलग अलग लिखने वाली प्रोसेस को ही बोला जाता है कॉस्ट शीट। शीट से आप सब समझते होगे, शीट मतलब एक सिंगल पीस ऑफ पेपर। हाँ जी, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। कॉस्ट शीट, शीट हो गया। हाँ, शीट पे मैं लिखूंगा क्या, एक बड़ी सी लंबी सी शीट पे लिखूंगा क्या, अपन लिखेंगे कॉस्ट। जितने तरह की आपने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी ना, कौन कौन सी, मटेरियल पढ़ी, लेबर पढ़ी, एक्सपेंस पढ़ी, हाँ, और कौन सी टाइप पढ़ी अमित भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी पढ़ा क्या, एडमिन कॉस्ट पढ़ा अपन ने, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पढ़ा अपन ने, सेलिंग कॉस्ट पढ़ी अपन ने। इन सारी कॉस्ट को जब तुम अलग अलग लिख देते हो, आपकी कॉस्ट शीट बन के तैयार हो जाती है, ठीक है अमित भाई, चलो समझ में आया। कॉस्ट शीट मतलब एक सामान को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा पड़ा। एक बार कॉस्ट शीट देखना चाहोगे, दिखा दो अमित भाई, ये देखो, ये होती है आपकी कॉस्ट शीट कुछ इस तरह से। सबसे पहले मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, एक्सपेंस कितने लगे, उसके बाद याद है अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ रखे थे कितने फंक्शन होते हैं। देखो फैक्ट्री कितना खर्चा लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद आपको कितने खर्चे लग गए और भी अलग अलग, एडमिन से रिलेटेड कितना खर्चा लग गया, उसके बाद सेलिंग का कितना खर्चा लग गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का कितना खर्चा लग गया। तो ये पूरी प्रोसेस अपन आराम से एक एक करके सीखने वाले हैं, ठीक है अमित भाई। अब देखना एक बार कॉस्ट शीट का पहले डेफिनेशन क्या बोलता है। कॉस्ट शीट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई, अपने को आइडेंटिफाई करता है क्या, इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, विच इज प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर करी जाती है किस बेसिस पे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अमन भाई ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, याद करो पिछले ही लेक्चर में अपन ने सीखा था, जब मैं कॉस्ट को क्लासिफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, मतलब तुम क्या काम करते हो। अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, अगर मान लो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो तुम्हारा एडमिन ओवरहेड हो गया, उसके बाद मान लो अगर तुम सेलिंग में काम कर रहे हो तो तुम्हारा सेलिंग ओवरहेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, मान लो तुम मटेरियल वगैरह का काम कर रहे हो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ये सारे कॉस्ट हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हुआ करते थे। तो जब मैं सारी कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लिख के दिखाऊं कि भैया एक सामान बनाने में इतनी सारी कॉस्ट लगी थी, उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट बनाना। बताओ कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन कौन सी कॉस्ट आया करती है, आओ पहला डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है मैं भाई ये तो सीखा ही था, डायरेक्ट लेबर सीखा ही था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीखा था, प्रोडक्शन ओवरहेड सीखा था, एडमिन ओवरहेड सीखा था, सेलिंग ओवरहेड देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखा था, और R&D की कॉस्ट, रिसर्च का कॉस्ट सीखा था अपन ने। हाँ जी अमन भाई एक बार पानी पीन दो मेरे को। एक सेकेंड, हाँ एक हल्की सी एडजस्टमेंट करने दो, मुझे बार बार कट क्यों रहा है, मुझे देखने दो। हाँ अब क्लियर है ना, अब नहीं कटेगा। वही मैं सोचू, बार बार अपन बना रहे होते थे और ये क्वेश्चन कट जाया कर, अब नहीं कटेगा, अब अपन पूरे कवर हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी अमित भाई, हाँ जी, हाँ जी, दे दो माइक पे लाइक, चल डन। हाँ जी अमित भाई, पानी पी लिया था क्या मैंने, पानी पानी पी लिया था पर मैं भूल गया, मेरे को और प्यास लग गई। चलो बाल खराब हो गए थोड़े से, अब हम लग रहे स्मार्ट, गुड। तो चलो कॉस्ट शीट अपन ने देखा। हाँ जी अमित भाई अपन ने कॉस्ट शीट देख लिया, इन चक्कर्स में बनते हैं। अब देखना गाइस, पूरे कॉस्ट शीट को जब मैं आपको समझाऊंगा ना, पूरी कॉस्ट शीट में चार या पांच पॉइंट्स के, ध्यान से सुनना, पूरी कॉस्ट शीट के अंदर
आपको चार से पांच पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं। वैसे तो चार हेड हैं पर मिलते हैं आपको पांच पॉइंट्स के नंबर। पूरा कॉस्टशीट आपको बना ही पांच पॉइंट्स पे होता है, जिसको मैं बोल सकता हूँ ना, जैसे मान लो अगर यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और लास्ट तक पहुंचती है आपकी ट्रेन, जैसे आप कॉस्टशीट बनाना स्टार्ट करते हो और खत्म करते हो, तो इस स्टार्ट करने और खत्म करने के बीच में पांच इंटरवल्स आया करेंगे आपके। उस इंटरवल पे ही हमारा क्वेश्चन आया करता है कि ये इंटरवल निकाल के दिखाओ। ये पांच इंटरवल्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इंटरवल जो आपका आएगा, खुल जा सिम सिम, उस इंटरवल का नाम होगा आपकी प्राइम कॉस्ट। भाई ये क्या होता है, सीखा था दोबारा सिखा दूंगा। उसके बाद आपका सेकंड इंटरवल आता है जिसको अपन बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। भाई ये सब सिखाऊंगा, डरो मत डरो मत, सबर करो। थर्ड आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपके पास आएगा आपका नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में बस एक काम करोगे, प्रॉफिट ऐड कर दोगे, लास्ट आपका आएगा सेल्स का पॉइंट, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ये पांच पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपके एग्जाम में आते हैं कैलकुलेट करने के लिए। बहुत आसान तरीके से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ये, और ये पॉइंट्स ना आते भी सीक्वेंस के अंदर है। पहला आपका प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद आपके पास आएगा नीचे आने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स और उसके बाद सेल्स। इस तरीके से आपका आया करेगा, ठीक है अमित भाई। अब अपन इन्हीं चीजों को समझने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, ठीक है अमित भाई, एक बात बताओ, कल जब मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अपने पास ये पॉइंट्स होते हैं। हाँ, क्या कल ही मैंने आपको सिखा दिया था कि मेरे जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, अगर मैं उन डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दूं तो उनको अपन बोलेंगे, या तो बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, ये है मेरी डायरेक्ट कॉस्ट, या अपन इन्हीं को बोला करते हैं प्राइम कॉस्ट। बताओ क्या मैं इनको बोला करता हूं क्या डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट? हाँ जी अमित भाई, ये तो आपने कल ही सिखाया था कि इन्हीं को अपन डायरेक्ट कॉस्ट, इन्हीं को अपन प्राइम कॉस्ट बोला करते हैं। हाँ अमित भाई, ये तो आपने सिखा दिया था एकदम अच्छे से सिखा दिया था। अब देखते हैं यहाँ पे, चलो सबसे पहला मैं आपको प्राइम कॉस्ट बताना चाहता था, जो मैंने आपको पहली कल सिखा दिया था कि आपका जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट खर्चा है, वो सब मिला के हमारा प्राइम कॉस्ट बनता है। तो अगर मैं आपसे पहले पड़ाव की बात करूं, तो पहला पड़ाव देखना, एक एक करके हम बनाना सीखेंगे, कॉस्ट शीट आप और मैं मिलके एक एक करके बनाना सीखेंगे। ये है हमारा पहला पड़ाव, कॉस्ट की शीट बनाने का, ये है हमारा पहला पड़ाव। और पहले पड़ाव में आपने और हमने क्या किया है, कुछ नहीं, पहले पड़ाव में आप और हम मिलके प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? आप चाहो तो एक रफ कॉपी मेंटेन कर सकते हो और मेरे साथ स्क्रिबल करना सीख सकते हो। अमित भाई ये स्क्रिबल करना क्या होता है, देखो कई बार जब लास्ट में आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हो या थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जरूरी नहीं होता कि अपने को पूरा लिखना है। लास्ट में अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर, इसको जोड़ दूंगा मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद करता जाऊँ। तो ऐसे भी बनाओगे तो आपका हाथ तो तेज चलता रहेगा जितनी तेज आपकी बोली है, पर आपकी राइटिंग उतनी सही नहीं होगी। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है कि हाँ बाबा मैं लिख तो पा रहा हूँ ना, मुझे याद तो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्रिबल करना। नोट्स तो मैंने दे ही दिए हैं आपके पास, बस ये आराम से फॉर्मेट आप स्क्रिबल कर सकते हो। चलो बताओ, क्या मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्राइम कॉस्ट है वो तीन चीजों को मिलकर बनती है, किसको? डायरेक्ट मटेरियल को, उसमें जोड़ते हैं अपन अपना डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद जोड़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ मैं भाई, पहला बक्सा समझ में आया। अब देखो हमारे पास जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, उसने हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करने के भी तरीके दे रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा ले भैया 100 रुपए तेरा डायरेक्ट मटेरियल है, किसी किसी क्वेश्चन में दिया भी होगा
या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं दिया होता, अपन को खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है अमित भाई, हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाओ उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आओ सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन। आ जाओ देखो, पहले ये बताओ मटेरियल बोलते किसे हैं। अमित भाई आपने सिखाया था, क्या सिखाया था? हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसका यूज करके मैं एक फाइनल प्रोडक्ट अपना बनाता हूं। ठीक है, हाँ चलो मैं आपको एग्जाम्पल भी लेता हूं यहाँ पे। ओके एक सेकेंड, चलो आप लोग मुझे बताओगे क्या अमित भाई, ये जो आपको चेयर दिखाई दे रही है, हाँ जी अमित भाई ये चेयर दिखाई दे रही है, इस चेयर में देखो क्या आपको ये नेट दिखाई दे रहा है? हाँ अमित भाई ये नेट लगा हुआ है। ये आपको प्लास्टिक के हैंडल्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ये क्या फोम दिख रहा है? हाँ अमित भाई फोम दिख रहा है। तो हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको क्या कर सकते हैं अपन, जिसको मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली मेरे वन यूनिट वन प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है, तो उसको अपन बोलेंगे अपना डायरेक्ट मटेरियल। हाँ जी अमित भाई चलो अब देखो, यहां पर मैंने लिखा भी है हैंडल नेट फोम व्हील्स। अब देखना यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, कैसे पता चलेगा डायरेक्ट मटेरियल है या नहीं है। देखना, वेदर द फिजिकल प्रोडक्ट इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट। क्या एक बात बताना, ये जो हैंडल एक प्लास्टिक का हैंडल, ठीक है, क्या एक चेयर पे दो ही हैंडल लगेंगे? हाँ, तो पर चेयर दो हैंडल, क्या किसी चेयर पे तीन हैंडल लग सकता है? ना। चलो ये आपने जो पीछे नेट का कपड़ा देखा, मान लो हर एक चेयर पे 2 मीटर नेट का कपड़ा लगता है, तो एक बात बताओ क्या हर चेयर पे ही 2 मीटर लगेगा या किसी पे 3 भी लग सकता है? नहीं अमित भाई, हर चेयर पे 2 ही मीटर। तो अगर मैं एक किसी भी प्रोडक्ट से, सिंगल प्रोडक्ट से अपनी कॉस्ट को जोड़ सकता हूं, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, डायरेक्ट मटेरियल। चलो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास निकालने का तरीका हो सकता है, क्या क्या तरीका है यहां पे मैं लिख देता हूं, मेथड्स टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें क्या, आओ देखते हैं अपने पास मटेरियल केस में हो क्या क्या सकता है। ठीक है अमित भाई चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो एक बात देखना गाइस, सबसे पहले तो क्या होगा ये देखना, किधर अपन बना रहे थे, अपन किधर बना रहे थे, हाँ इधर बना के चल रहे थे। एक बार देखो इधर मेरी तरफ, हाँ क्या ऐसा होगा कि तुम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आओगे? हाँ अमित भाई रॉ मटेरियल तो मैं खरीद के ही लेके आता हूँ ना। ठीक है, अब याद करो इन्वेंटरी वाला चैप्टर जो आपने कभी फाउंडेशन में पढ़ा होगा, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी साथ में लग सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला ही खर्चा हमें याद आता है, फ्रेट का भाड़ा हमें लग सकता है। ठीक है, मान लो भैया मैंने क्या करवा रखा है, आपका रॉ मटेरियल है, हाँ जी अमित भाई इधर देखना प्यार से, बहुत प्यारे तरीके से आपने रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी करवा लिया। आपने क्या किया, रॉ मटेरियल का इंश्योरेंस भी करवा लिया। ठीक है बाबा इधर आओ, चलो करवा लिया। उसके बाद मान लो हुआ क्या, आपको रॉ मटेरियल के लिए और भी कोई ना कोई एक्सपेंस लग गया, कोई हो सकता है छोटा मोटा एक्सपेंस वगैरह हो गया, वो आपको लगाना था वो आपने लगा दिया, डन। हाँ जी अमित भाई अब देखना आप लोग मुझे यहाँ पे एक बात बताओगे, आओ जरा इधर देखो, मैंने आपको बोला परचेज तो आ गया, फ्रेट आ गया, इंश्योरेंस या और कोई खर्चा आ गया। अब देखना अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें आती है, कौन कौन सी, आओ एक एक करके देखते हैं। आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्स का खर्चा, टैक्स एक्सपेंस इफ नो क्रेडिट इज इन्वॉल्व। अमित भाई ये तो समझ में ही नहीं आया, चलो मैं आपको बताता हूं। आ जाओ, अभी आप कॉस्ट पढ़ रहे हो, आपने मेरे से पहले कभी ना कभी डीटी पढ़ी होगी, मुझसे नहीं मतलब आप डीटी पढ़ के आए होंगे, उसमें आपने जीएसटी वाला पढ़ा होगा पार्ट। हाँ अमित भाई टैक्स में जीएसटी देखा था। एक बात बताना, पहले तो बहुत सारे हमारे पास टैक्स लॉज हुआ करते थे और बहुत सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, अब एक सिंगल जीएसटी हो गया। हाँ होता क्या है ना, मान लो यहाँ पे इधर देखना, क्या अमित भाई अपन क्या करते हैं ना, अपन सबसे पहले सरकार को टैक्स देते हैं। हाँ जी अमित भाई अपन सरकार को टैक्स देते हैं। हुआ क्या, जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था ना,
तो दुकानदार ने बोला, भैया सुनो, 100 रुपये का तुम्हारा सामान है और इस पे 5% जीएसटी भी लग जाएगा। मैंने बोला, भाई जीएसटी क्यों दूं? बोलता, भाई सामान खरीदोगे सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, 105 रुपये। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, या जिसको मैं बोल सकता हूं रिफंड ऑफ टैक्स का। एक बार समझने के लिए अपन समझ सकते हैं, या जिसको बोल सकते हैं अपन क्रेडिट ऑफ द टैक्स। अब देखो होता क्या है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर 5 रुपए का टैक्स भरा। ठीक है, अब मान लो अगर आप फिनिश्ड गुड्स बना के बेचते हो ना, हाँ जी अहमद भाई, और मान लो आपने फिनिश गुड्स बेचा 120 रुपए का, उस पर भी 5% टैक्स लगा होगा। हाँ जी अहमद भाई, कितना? 12 पंचे 60, तो आपको लग गया होगा इस पे 6 रुपए के आसपास का। ठीक है अहमद भाई, ये अपने को लग गया, बताओ क्या दिक्कत है। अब देखना यहाँ पे आपने शुरू में कितना टैक्स दिया था अहमद भाई, अपन ने 5 रुपए का टैक्स दिया था, टोटल मिला के 5 का टैक्स बन रहा था, अपन ने 105 रुपए दिए थे, यहाँ पे 6 रुपए का टैक्स और 126 बना। क्या आप सरकार को ये बोल सकते हो कि भाई 5 का टैक्स मैंने आपको पहले ही दे दिया था, 6 का टैक्स देना है तो मतलब 1 रुपए और एक्स्ट्रा देना है? अमित भाई पल्ले सा ना पड़ा, सुनो। आओ आपको एक सिंपल ट्रिक बता दूं जिससे आप क्लियर समझ जाओगे। जब भी लिखा होगा कि आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलने वाला है, तो आप इस टर्म को समझना कि आपको रिफंड मिलने वाला है। डन क्या? हाँ। अब देखो अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, आप मेरे साथ मिलोगे और साथ में अपन ये वाला पॉइंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है अमित भाई, चलो बताओ हमें भी, हम भी देखते हैं कैसा क्या पॉइंट होने वाला है। आ जाओ देखते हैं देखते हैं देखते हैं। आप मुझे बताओगे, अभी तक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, टैक्स आपने क्या किया ना, आपने 50 रुपए का टैक्स सरकार को भर दिया वाइल परचेजिंग रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे थे तो आपने 50 रुपए का टैक्स भरा। ठीक है, अब चलो आप देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आई गॉट क्या हुआ, मेरे को रिफंड मिला, आई गॉट रिफंड ऑफ ₹100। मतलब जरा सोचना अमित भाई, क्या सोचेंगे अपन? आपने 50 की जगह 100 कैसे मिल जाएगा? सोचना आपने कितने का टैक्स दिया अमित भाई, अपन ने 50 रुपए का टैक्स दिया, क्या आपको 50 का 50 ही वापस मिल गया? हाँ जी अमित भाई, अपने को तो 50 का 50 ही वापस मिल गया। अब एक बात बताओ, आपकी जेब से कितना रुपए गया, सोच के बताना। 0। आपकी जेब से तो कुछ गया ही नहीं। अब सोचो कॉस्ट हम किसको बोलते हैं अमित भाई, अमाउंट एक्चुअली पेड या नॉशनल एक्सपेंडिचर? ये नॉशनल तो है नहीं, और क्या आपकी जेब से एक्चुअली कोई अमाउंट गया क्या? आप सब बोलोगे अमित भाई 50 रुपये तो गया, लेकिन 50 रुपये वापस भी तो मिल गया। हाँ जी अमित भाई, तो नेट आपकी जेब से कितना गया अमित भाई? 0 रुपए। तो इस केस में इफ रिफंड इज इक्वल टू 100%, वी डोंट एड टैक्स। हम टैक्स को ऐड ही नहीं करते जब मेरे को पूरा का पूरा पैसा रिफंड का मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे। सेकंड, आई पेड ₹50, आपने 50 रुपए दिए थे ऊपर वाइल परचेजिंग। ठीक है, और ये KM नहीं, RM रॉ मटेरियल, एंड आई गॉट रिफंड, अपने को रिफंड मिला कितने का अमित भाई? ऑफ ₹0। मेरे को 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिला, मेरे को 1 रुपए का भी रिफंड नहीं मिला, तो क्या बात नहीं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, आई पेड नेट कितना, पूरा 50 का 50 रुपए मैंने दिया। एक बात सोचना, आपने 50 रुपए दिए, आपको 1 भी रुपए वापस नहीं मिले, मतलब पूरा 50 रुपए आपकी जेब से गया। हाँ, क्या लिख दूंगा, इफ रिफंड इज इक्वल टू 0, एड फुल टैक्स।
पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट अपनी रॉ मटेरियल में ऐड करके आ जाऊंगा, कि क्योंकि भैया मेरे जेब से पैसा तो गया और पैसा वापस ही नहीं आया। ठीक है अमित भाई, अब आ जाओ थर्ड केस के ऊपर। आई पेड 50 रुपीज, वो जो ऊपर आपने टैक्स का 50 रुपए दिया था वो तो दिया ही है। आई गॉट रिफंड रुपीज 20, आपको 20 रुपए का रिफंड मिल गया। अब जरा आप सब लोग मेरे साथ बैठ के बताओगे कि आपको 20 रुपए का रिफंड मिला तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं? आई पेड नेट, मैंने नेट 30 रुपए की पेमेंट करी है। बताओ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई पेड नेट 30 रुपीज? हाँ जी अमित भाई, अपन बोल सकते हैं 30 रुपीज। अब देखते हैं इधर, इफ रिफंड इज अदर देन 0 and 100%, मतलब 0 और 100% के अलावा अगर कोई रिफंड होगा, एड टैक्स माइनस रिफंड वाला अमाउंट, इतना अमाउंट अपन ऐड करके आ जाएंगे। बताओ तो यहां पे आपको पूरा रिफंड मिल गया, हाँ, तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 रुपए ऐड कर देंगे रॉ मटेरियल में। यहां आपको 1 भी रुपए का रिफंड नहीं मिला तो 50 का 50 रुपए अपन रिफंड में, 50 का 50 रॉ मटेरियल में ऐड कर देंगे। यहां आपको 20 का रिफंड मिला तो अपन क्या करेंगे, 30 रुपए रॉ मटेरियल के अंदर ऐड कर देंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट था, हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट था। तो ये देखो, इसके बाद टैक्स एक्सपेंस इफ नो क्रेडिट इन्वॉल्व। बताओ समझ में आ जाएगा टैक्स का पूरा कंसेप्ट? हाँ जी अमित भाई, लिखना चाहोगे? हाँ जी अमित भाई लिख लो, लो बाबा लिख लो, मैंने नोट तो नहीं दे रखा होगा शायद इसका, ये एक्सप्लेन करते करते समझ में आया तो मैंने सोचा लिखवा दूं, लिख लो। जी अमित भाई डन, हाँ जी अमित भाई डन हो गया। ओके अब यहां पे देखना, एक और कंसेप्ट अपने पास उठ के आता है, उस कंसेप्ट का नाम है डिस्काउंट। बैटरी कम है, मुझे लगता है पहले बैटरी चार्ज पे लगानी पड़ेगी। चलो हाँ, अब इसके बाद अपन एक और अमाउंट को माइनस करेंगे। अमित भाई कौन सी अमाउंट? उस अमाउंट का नाम है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। भाई ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? और डिस्काउंट की भी 2-3 कैटेगरीज होती है, ये आपने नोट डाउन कर लिया था? हाँ अमित भाई, कंसेप्ट ऑफ टैक्स अपन ने नोट डाउन कर लिया था, इसकी हेडिंग डाल सकते हो कंसेप्ट ऑफ टैक्स। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब आप मेरे को यहां पे बताओगे, क्या बताओगे? आओ हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। जनरली अपने को 2 तरह का डिस्काउंट ही देखने को मिलेगा और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। चलो आओ सबसे पहले अपन देखेंगे और सीखेंगे क्या है क्या नहीं है। आओ इधर देखते हैं। आज वो सबसे पहले बात बताएगा मेरे को ट्रेड डिस्काउंट की। एक मेरे पास टाइप होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक मेरे पास टाइप होता है कैश डिस्काउंट का। अमित भाई दोनों में फर्क क्या है? देखो एक जब ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट मतलब बिजनेस का डिस्काउंट, जो मतलब सबको दिया जाता है कि भैया तुम आओगे तुमको भी मिलेगा, तुम आओगे तुमको भी मिलेगा, तुम आओगे तुमको भी मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होता। मतलब जैसे मान लो अपन, मान लो कोई शॉप है वो निकाला एंड ऑफ द सीजन सेल, कोई भी आओ 20% का ऑफ ले जाओ, कोई भी आओ 20% का ऑफ ले जाओ, तो सबके लिए, इफ द डिस्काउंट इज फॉर एवरीवन।
विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस ऑब्लिक सेल, ये आपके बिजनेस या सेल से रिलेटेड होगा, ताकि मेरे को सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? इफ डिस्काउंट इज गिवन ड्यू टू पेमेंट ऑफ फुल कैश। कई बार ऐसा बोलता है ना कि सर एक काम करो, 1 लाख का ये सामान है, अगर आप 1 लाख मुझे अभी का अभी पकड़ा दोगे तो मैं आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। एक बात बताना, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, पर क्या कैश डिस्काउंट सबके लिए होता है ना? वो शक्ल देख के दिया जाता है कि सर अगर आप पेमेंट करोगे तभी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, वो बेचने के लिए नहीं है, वो तो कैश पेमेंट के लिए कि भैया पेमेंट मेरे पास जल्दी आ जाए। हाँ जी अमन भाई, तो ये वाला पार्ट आपके धंधे से रिलेटेड होता है, ठीक है भैया, और ये वाला पार्ट मेरे धंधे से रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करता हूँ। इस पे यहाँ नोट भी मैंने दे रखा है कि कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, मैं डिडक्ट नहीं करता, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये एक फाइनेंशियल खर्चा है, एंड वी रीड अबाउट फाइनेंस, हम फाइनेंस के बारे में इन पेपर 11 FMDA, मैं आपको फाइनेंस FMDA में पढ़ाऊंगा। क्या आपने मेरे को फाइनेंस पढ़ाने के पैसे अभी दिए हैं क्या? नहीं अमित भाई, हमने आपको कॉस्टिंग पढ़ाने के पैसे दिए हैं, इसीलिए मैं आपको फाइनेंस यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, पैसे लगेंगे अलग से। मजाक कर रहा हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मतलब जनरली कैश डिस्काउंट अपना फाइनेंस का पार्ट आ जाता है, तो वो अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता। इसीलिए याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, कभी भी कैश डिस्काउंट को माइनस करके नहीं आओगे। देखो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ, कोई कैश डिस्काउंट नहीं। उसके बाद हमारे पास दो तीन चीजें और आती हैं, कौन कौन सा, आओ इधर दिखा देता हूं। सबसे पहले प्यारा आ जाओ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, हां जी अहमद भाई। एक आता है अपने पास, अगर मान लो कोई भी तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। याद करो एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, अमित भाई जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो मैं यूनिट्स को तो माइनस करता ही हूं, और कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट भी माइनस कर देता हूं एबनॉर्मल लॉस के केस में। हाँ अमित भाई, तो वो भी माइनस पे आएगा। अच्छा अब सोचना एक और, कई बार क्या होता है ना, आपने रॉ मटेरियल खरीदा था 100 रुपए का, ठीक है, या फिर मान लो आपने रॉ मटेरियल खरीदा कुछ 10,000 रुपए का, उसमें से थोड़ा सा ना सामान खराब हो गया, जिसको आपने 100 रुपए में बेच दिया। क्या किया, 100 रुपए के अंदर उस खराब सामान को बेच दिया। तो क्या जो मेरे पास बचा हुआ सामान है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता मैं उसको 10,000 में नहीं 9,900 में लेके आया था? पूछो क्यों, क्यों अमित भाई? क्योंकि मैंने कॉस्ट में आपको पढ़ाया था एक्चुअल कॉस्ट या नॉशनल एक्सपेंडिचर, तो एक्चुअली आपकी जेब से कितना गया अमित भाई? एक्चुअली तो 10,000 गया ना। अरे बाबा, डंडे से मार पड़ेगी, 10,000 आपकी जेब से गया, लेकिन 100 रुपए वापस भी तो चल के आ गया आपके पास खराब होने की वजह से। हाँ जी अमित भाई, तो एक्चुअली आपकी जेब से गया है 99,100 रुपए। तो इसीलिए अगर मान लो कोई भी आपके पास सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, इससे मेरी कॉस्ट कम हो जाती है, इसीलिए अपन इसको माइनस करके चलते हैं। बता दो कोनो दिक्कत अमित भाई? कोनो दिक्कत यहां तक नहीं आई है, अपने को परफेक्ट चल रहा है। बताओ ये सारे खर्चे देख के आप खुश हो? खुश अमित भाई, मतलब मजा आया क्या? इतनी आसानी से अपन ने पढ़ा समझा? हाँ जी अमित भाई, बहुत प्यारे तरीके से मजा आ गया। ओके अमित भाई, तो अपन ने ये भी सीख लिया और ये भी कवर किया। तो देखो आज तक तुम रॉ मटेरियल को जो समझ रहे थे कि इतना इजी होता है ना, बाबा उसमें कुछ कुछ चीजें जुड़ती हैं। कौन सा? सबसे पहले मेरे पास रॉ मटेरियल जुड़ा ही जुड़ा, उसमें फ्रेट जुड़ा ही जुड़ा, कोई इंश्योरेंस या डायरेक्ट खर्चा रॉ मटेरियल से रिलेटेड जुड़ा ही जुड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया अमित भाई? उसके बाद अपन ने टैक्स का खर्चा देखा। अगर रिफंड मिल रहा है पूरा का पूरा तो टैक्स नहीं जोड़ूंगा, रिफंड पूरा ही नहीं मिल रहा तो पूरा टैक्स जोड़ दूंगा, और थोड़ा रिफंड मिल रहा है तो थोड़ा सा जोड़ूंगा। उसके बाद डिस्काउंट में आप सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, ठीक है,
उसके बाद कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, यूनिट भी माइनस कर दो और वैल्यू भी माइनस कर दो। और लास्ट में अगर आपने कोई स्क्रैप बेचा है रॉ मटेरियल का, मान लो हुआ क्या, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था 1000 में, उसका भैया क्या हुआ थोड़ा सा टुकड़ा बेच दिया मैंने 100 में, तो 900 रुपए में मैं आराम से अपने रॉ मटेरियल को रिकॉर्ड करूंगा। अब देखना गाइज, इतना करने के बाद कुछ एक गेम बचता है आपके पास, क्या जरूरी थोड़ी है, ये तो टोटल निकल के आ गया आपके रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड कॉस्ट वॉस्ट। हो सकता है आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हो रॉ मटेरियल का, हाँ अमित भाई, और हो सकता है, देखो रॉ मटेरियल आपके पास 100 रुपए का पड़ा हुआ था, 1000 का टोटल परचेज वर्चेज मिला के सब हो गया 1100। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ रॉ मटेरियल साइड में रखवा दिया हो कि भैया अगली साल यूज करूंगा, तो क्या मैं नेट बोल सकता हूँ कि आपने इस साल 900 का ही रॉ मटेरियल यूज किया होगा? हाँ, और मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे चाहिए होता है कि मैंने कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है। मुझे क्या चाहिए होता है, मैंने कितने का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया होता है। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रॉ मटेरियल निकालने के लिए ही इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाती है। टेंशन मत लो, आप आराम से ये सारी चीजें नहीं पूछती, आप आराम से बनाते चले जाओगे। मैं आपको इसका शॉर्टकट लिख के दिखा देता हूँ। लिख के दिखाऊं क्या? हाँ अमित भाई आ जाओ, देखो शॉर्टकट बहुत प्यारा है। मैंने बोला भैया कुछ मत करो, पहले रॉ मटेरियल परचेज कर लो, ठीक है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड खर्चा लग रहा है ना, रिलेटेड एक्सपेंस, अगर इससे कोई रिलेटेड एक्सपेंस दिख रहा है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फ्रेट हो गया, और अगर मान लो आपको कमीशन देनी पड़ गई रॉ मटेरियल के लिए, उसको भी जोड़ दो, ठीक है। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। अगर आपने कोई एबनॉर्मल लॉस कर दिया वो तो माइनस कर ही दो, और आपने स्क्रैप सेल कर दिया रॉ मटेरियल का उसको माइनस कर दो बस। उसके बाद अपना नॉर्मल एक काम, एक नौटंकी, ये नौटंकी हम हर बार करेंगे, क्या, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, बताओ कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला, एक नौटंकी करेंगे अपन, ओपनिंग स्टॉक जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, डन डन। इससे आपका निकल के आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके अमित भाई, अब जाके समझ में आया, तो इसको देखो और बताओ क्लियर हो या कोई दिक्कत है यहां तक आप लोगों को? देख लो देख लो देख लो, समझ लो। अमित भाई हम तो परफेक्ट क्लियर है, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक, क्लियर है? अरे वाह बहुत अच्छे, चलो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा। ओके अमित भाई आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहां तक परफेक्ट डन है, यहां तक तो अमित भाई परफेक्ट डन है, तो सब कुछ आपने यहां तक नोट कर लिया, आपको रॉ मटेरियल समझ में आ गया। अब आओ रॉ मटेरियल के नेक्स्ट बाद मेरे पास एक टॉपिक आता है जिसमें अपन सीखने वाले हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा अमित भाई लेबर कॉस्ट में भी है क्या? पहले ये बता दो, ये आपने लिख के खत्म कर दिया था? हाँ अमित भाई, कोई डाउट था यहां तक? कोई डाउट नहीं था। आओ अब मैं तुम्हें जरा डायरेक्ट लेबर दिखाना चाहता हूं, डायरेक्ट लेबर क्या कहता है। आओ 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 आओ, डायरेक्ट लेबर का सबसे पहले एक शॉर्टकट दे दूं क्या? हाँ दे दो, एनीथिंग यहां लिख लो, एनीथिंग आई रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब आपका मालिक आपको जो भी दे, और अगर आप मालिक हो तो आप वर्कर को जो भी दे रहे हो, अगर आपने वर्कर को, मजदूर काम करने वाले को जो फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में जो काम करता है मजदूर, आपने उसको वेजेस दी, वो भी लेबर कॉस्ट है, सैलरी दी फैक्ट्री वाले मजदूर को, याद रखना ऑफिस वाले मजदूर को नहीं, जो फैक्ट्री में सामान बना रहा है उसको आपने वेजेस दिया, वेजेस, सैलरी दी सैलरी, कोई बोनस दे दिया बोनस, ओवरटाइम कर रहा था वो ओवरटाइम का पैसा दे दिया ओवरटाइम। भाई अगर मान लो मैं उसको बोलता हूँ कि यार सुनना अपने को कल अर्जेंट सामान देना है, तो तेरी शिफ्ट तो 12 बजे खत्म हो जाती है रात में, तो रात की शिफ्ट भी काम कर ले, रात में 12 से सुबह 6 तक काम कर ले, उसको बोलते हैं ओवरटाइम, तो ओवरटाइम का भी पैसा दे दिया। अगर मान लो आपने कभी पढ़ा होगा, याद है अगर किसी के आपके आपके फादर या आपके फ्रेंड के फादर, या आपने सुना होगा कोई गवर्नमेंट जॉब में है या किसी भी जॉब में, तो उनको प्रोविडेंट फंड का भी पैसा मिला करता है एम्प्लॉयर की तरफ से। हाँ जी अमित भाई, और कभी कभी एम्प्लॉयर आपको फ्री का खाना दे देता है,
रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे देता है, मान लो दवाई वगैरह फ्री में दे देता है, होटल में रुकने के लिए फ्री में दे देता है। तो जो भी खर्चा आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, कुछ भी, मतलब अगर प्यार देगा तो प्यार को भी रिकॉर्ड कर देना, गालियां पड़ेंगी तो गालियों को भी रिकॉर्ड कर देना। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको जो भी दे दे, क्या करोगे? उसको अपनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड कर दोगे। तो देखो बाबा, अगर मैं इसका शॉर्टकट आपको फिर से लिखवा दूं, अरे तो डिलीट क्यों किया मैंने, एनीथिंग दैट एम्प्लॉयर पेज, ये आप शॉर्टकट लिख सकते हो, आपको समझने में आसानी रहेगी, पेज टू एम्प्लॉई, मालिक जो देता है अपने काम करने वाले को कुछ भी, तो उसको अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डालते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो डन डन अमित भाई। और ये किस चीज के लिए जाया जाता है? अपन ने पढ़ रखा था अमित भाई, कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स के लिए, मशीन मशीन के लिए नहीं। जब इंसान अपनी मेहनत लगाता है और उसको उसके बदले में वेजेस, सैलरी, बोनस, ओवरटाइम, पीएफ, फ्री फूड कुछ भी मिल जाए, इन सबको बोला करते हैं अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डन। अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, देखते हैं और मिलके इसको समझते हैं। बताओ, ट्राई करें, आ जाओ मैं भाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ना मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला था कि भैया जो ना तो मटेरियल है ना ही मेरा लेबर है, उसको बोलता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको बोलता हूं एक्सपेंसेस। और वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली मैं सिंगल प्रोडक्ट पे उसकी कॉस्ट लगा सकता हूं, उसको बोला करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन अमित भाई, आ जाओ अपन देखते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ना हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और यकीन मानो आपका पूरा क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल से ही उठ के बना करेगा। यहीं से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बोलेगा, अमित भाई अमित भाई, आईसीएमआई अपने को बोलेगी कि सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, मान लो कोई ये एग्जाम्पल है, बताओ क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है? हाँ अमित भाई, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, काम अपना खत्म हो जाएगा। ओके अमित भाई, डन है, डन डन। चलो देखते हैं इसको क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझना बहुत प्यारे तरीके से। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप किसी मशीन को रेंट पे लेके आए हो, ठीक है, ओके अमन भाई, एक बात बताओ, मशीन कहाँ पे काम करती है? सोचो, मशीन क्या ऑफिस में काम होती है, या मशीन का सामान बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर काम किया जाता है? अमित भाई मशीन का काम तो हम फैक्ट्री के अंदर लेते हैं ना। हाँ, तो अगर ये मशीन कोई नॉर्मल मशीन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ये कोई आपकी नॉर्मल मशीन है, तो पूरा का पूरा मशीन को रेंट पे लाने का खर्चा, पूरा का पूरा रेंट का खर्चा आपका चला जाएगा कहाँ? फैक्ट्री ओवरहेड में। याद है मैंने बोला था क्या? इनडायरेक्ट खर्चा, एक तो ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा बन जाएगा, और इनडायरेक्ट खर्चा हुआ कहाँ? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री ओवरहेड। पर अगर मान लो ये कोई स्पेशल मशीन है, कोई स्पेशल मशीन है और कुछ स्पेशल चीज प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मैं लेके आया हूं, तब इसको मैं बोला करूंगा, तब जो इसकी एंटायर रेंट होगी वो कहाँ चली जाएगी? वो पूरी की पूरी रेंट आपकी चली जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई, बताओ क्लियर हो गया? हाँ जी अमित भाई। तो मशीन अगर आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल मशीन को किराए पे लेके आए, तो उसका पूरा खर्चा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। और अगर आप मशीन को, स्पेशल मशीन को लेके आए किराए पे, तो उसका पूरा खर्चा आपका जाया करेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ये देखो हमारा सबसे पहला वाला पार्ट, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल प्रोडक्ट या स्पेशल मशीन, अगर आप उसको रेंट पे लेके आए हो तो। डन अमित भाई, डन 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 डन, हो गया क्लियर? एक सेकेंड, परफेक्ट परफेक्ट। अब देखना गाइस, सुनना सुनना ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सबसे पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाँ जी अमित भाई। चलो मैं आपको दूसरे पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। आप जब मशीन्स चलाते हो ना, मशीन्स चलाते हो, हाँ जी अमित भाई, तो मशीन चलाने के लिए जब आप सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको पावर लगता होगा,
पावर मतलब बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए जो बिजली लगती है उसको पावर बोलते हैं। फ्यूल लगता होगा, कई बार पेट्रोल वगैरह की मदद से वो मशीन चलती है, जैसे बड़े बड़े जनरेटर्स पेट्रोल से चलते हैं। हाँ मेरे भाई, तो पावर फ्यूल जो आपका लगता है फैक्ट्री के अंदर फॉर प्रोडक्शन के लिए, वो मेरा हमेशा 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 क्या हुआ करेगा अमित भाई, हमेशा अपना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ करेगा। क्यों अमित भाई? क्योंकि अगर मान लो उस मशीन में मैं बिजली ना दूं तो वो मशीन तो काम ही नहीं करेगी, तो ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ करता है। बताओ कोई दिक्कत क्या? अगर मशीन को चलाने का पावर और फ्यूल होगा वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर यही आप फैक्ट्री के अंदर, मैंने क्या बोला, यही आप फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल लाइट जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गया, वो लगा रहे हो, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड होगा। क्यों? क्योंकि है ये मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। एक बात बताओ, अगर बल्ब नहीं होगा तो क्या मैं दिन के उजाले में काम नहीं कर सकता? कर सकता ना दिन के उजाले में काम, तो वो मेरी प्रोडक्शन में कोई मदद करके नहीं दे रहा, इसीलिए उसको मैं इनडायरेक्ट खर्चा बोलूंगा, और इनडायरेक्ट खर्चा जब फैक्ट्री में होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। ठीक है, तो अपन ने दो पॉइंट कवर किए, कौन कौन से? एक तो मैंने बोला कि अगर स्पेशल मशीन को किराए पे लेके आए तो वो स्पेशल मशीन मेरी क्या कहलाएगी अमित भाई? वो स्पेशल मशीन अपनी कहलाएगी, जल्दी से बता दो अमित भाई, वो स्पेशल मशीन अपनी कहलाएगी, स्पेशल मशीन अपनी कहलाएगी, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर मशीन के लिए आप पावर या फ्यूल का यूज कर रहे हो, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डन अमित भाई, नेक्स्ट ध्यान से सुनना और जरा बताना। हाँ अमित भाई, क्या मैंने आपको बोला था कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई सामान बना रहा हूं और उसके लिए मैंने क्या किया अमित भाई, अपन ने क्या किया, मैंने बोला, मान लो मेरा काम है जूते बनाने का, और मैंने एडिडास वाले भैया को बोला, मैंने बोला भैया सुनो ना, क्या मैं अपने जूते पे आपका स्टिकर चिपका सकता हूं? तो उन्होंने बोला चिपका लेना, लेकिन मेरे को हर जूते के बदले रॉयल्टी देनी पड़ेगी तुम्हें, 5 रुपए हर एक जूते पे मैं रॉयल्टी लिया करूंगा। तो क्या वो कॉस्ट मेरे हर एक जूते से रिलेटेड हो गई? हो गई, पर क्या मटेरियल है ना, क्या लेबर है ना, तो रॉयल्टी भी मेरा कौन सा खर्चा हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा हो जाएगा। बता दो ये पॉइंट भी क्लियर है या नहीं है? हाँ जी अमित भाई, अपने दिमाग में तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। चलो मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं अमित भाई, कौन सा? थर्ड के बाद एक फोर्थ पॉइंट होता है जो होता है जॉब वर्कर का। अमित भाई जॉब वर्कर क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको बताया ना मैं शू इंडस्ट्री वाले फैक्ट्री में था, हाँ मैं काम कर रहा था वहां पे, क्या होता है कई बार अगर मान लो कोई कंपनियां होती है जिनका काम होता है ऊपर के पार्ट वो जूते के बना देंगे, नीचे का सोल उनसे नहीं बन पाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ नीचे का सोल बनाने का काम किसी और छोटे छोटे आदमी को दे देते हैं। जैसे अमित भाई चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा काम है डिजाइनर जूते बनाना। अब क्या करता हूँ मैं अपने जूते पे ना एक बहुत सुंदर सा ऐसा कुछ बड़ा सा फूल बना के देता हूँ, मेरे जूते की पहचान यही है कि मेरे जूते पे बहुत प्यारा सा ऐसे फूल बना होता है और जो मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, ठीक है। पर पता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि यार मैं अपने जूते पे ये फूल बनाया करूँ, तो मैं पूरा जूता बना के एक कारीगर होते हैं, छोटे छोटे कारीगर होते हैं, उनकी भी शॉप्स होती है अलग अलग, मान लो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, उनको अपना जूता भिजवा देता हूँ और वो लोग उस पे फूल का डिजाइन बना के मुझे वापस कर देते हैं। क्या उन लोगों ने अपना कुछ रॉ मटेरियल लगाया? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत लगाई, सिर्फ अपनी मेहनत लगाई। प्रोडक्ट किसका था? मेरा। बेचा किसने? मैंने। तो जब मैं अपने प्रोडक्ट पे किसी और की मेहनत ढूंढता हूँ, तो अमित भाई आप तो बोलोगे सब लोग मिलके कि अमित भाई ये तो मेहनत है, तो मतलब लेबर आ जाना चाहिए, एकदम डायरेक्ट लेबर आना चाहिए। लेकिन बाबा आपने ये तो सोचा ही नहीं, क्या वो मेरा आदमी है क्या? क्या वो मेरी फर्म के अंडर काम कर रहा है क्या? क्या वो मेरी फर्म में रजिस्टर्ड आदमी है क्या? नहीं अमित भाई, वो तो कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी जब अपना डायरेक्ट लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको अपन बोला करते हैं जॉब वर्कर। ये भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाया करता है। बताओ मैंने आपको 4 पॉइंट्स कवर करवाए, कौन कौन से? पहले मैंने बोला अगर कोई स्पेशल मशीन उठा के ला रहे हो किराए पे, ठीक है, अगर पावर फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल लगा रहे हो मशीन्स की, ठीक है बाबा। उसके बाद मैंने बोला अगर आप जॉब वर्कर से काम करवा रहे हो, हाँ जी अमन भाई, और आपने अगर कोई रॉयल्टी दे रखी है, ठीक है। चलो अब देखना 3 चीजें आएंगी, कौन कौन सी? देखो, एक
तो रॉयल्टी हो गई, रॉयल्टी से रिलेटेड आपके पास आता है पेटेंट्स। आपने किसी चीज का पेटेंट ले रखा है कि भैया ये प्रोडक्ट तो मैं ही बनाने वाला हूं। हाँ अमित भाई, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन देखना ध्यान से, कई बार क्या होता है, पेटेंट मेरे को मान लो 10 साल के लिए मिलता है या 12 साल के लिए मिलता है, तो क्या मैं पूरा खर्चा एक बार में ही ऐड कर दूं? ना, मैं पर ईयर खर्चा निकाल के फिर उसको ऐड करता हूं कि 1 साल में मेरे को पेटेंट का कितना खर्चा आता है। तो एनुअलाइज्ड या एमोर्टाइज्ड कॉस्ट उसकी 1 साल की निकालता हूं, तब मैं उसको ऐड करता हूं। सिमिलरली 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 दो और चीजें आएंगी अपने पास, देख लो, 6 और 7। कौन कौन सा? मोल्ड्स और स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं अमित भाई। क्या? चलो मैं बताता हूं। मान लो मेरा काम पता है क्या है, वो बचपन में खुशबू वाले रबड़ आते थे। बहुत बढ़िया, याद है? हाँ जी अमित भाई, वो एकदम ज्यादा खुशबू वाले मस्त मस्त रबड़ अपने पास आया करते थे। हाँ, उन रबड़ को, क्या बोला मैंने, उन रबड़ को, जैसे मान लो कोई रबड़ आया करता था ऐसे स्ट्रॉबेरी की शेप का, ऐसे कोई, चलो मान लो तितली की शेप का आया करते थे, तो अजीब सी कोई शेप बन गई। आओ मैं आपको तितली की शेप बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे तितली होती थी, ये ऐसे बीच में ये होता था, फिर उसके बाद ऐसे करके तितली बना करती थी। हाँ, मान लो तितली की शेप का रबड़ आता है, या फिर मान लो दिल शेप का रबड़ आया करता है। हाँ, तो इन शेप को बनाने के लिए ना एक स्पेशल मोल्ड, मतलब ढांचा इसको बोलते हैं, ढांचा यूज किया जाता था। एक बात सोचना, क्या ये वही कुछ ऐसा नहीं हो गया? स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइन, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन, स्पेशल टाइप ऑफ मोल्ड्स। तो बाबा, कोई भी स्पेशल मशीन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका पूरा खर्चा आपका आता है, अगेन वन एंड ओनली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो बता दो, मैंने आपको 4, 5, 6 खर्चे बता दिए, और वो सारे खर्चे डिटेल में लिंक करके भी बताए। क्या क्या बताया? चलो आप और मैं मिलके ना आराम से उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है अमित भाई? अमित भाई, सबसे पहले आपने बोला, मैंने क्या बोला, आपने बोला कि भाई अगर तू कोई भी स्पेशल मशीन को किराए पे लेके आएगा तो उसका जो किराया होगा ना स्पेशल मशीन का, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? फिर आपने बोला, अमित भाई अगर तुम कोई रेंट दोगे ना किसी को, अगर तुम क्या दे रहे हो, रेंट नहीं, सॉरी सॉरी, अगर तुम किसी को रॉयल्टी दे रहे हो ना, हाँ, तो पूरी की पूरी रॉयल्टी क्या होती है अमित भाई, वो यूनिट से रिलेटेड होती है, वो चला जाता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में। रॉयल्टी से जुड़ा हुआ पार्ट, अगर मान लो तुमने पेटेंट ले रखा है ना, हाँ, तो पेटेंट अगर बहुत सारे साल का ले लिया तो 1 साल का पेटेंट निकालो, उस पेटेंट को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट शीट के अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है बाबा? उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला अगर आप जॉब वर्कर से अपना काम करवा रहे हो, तो आदमी तो अपना डायरेक्ट लेबर दे रहा है, लेकिन मेरा आदमी नहीं है, इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालूंगा, डायरेक्ट लेबर में नहीं। उसके बाद मैंने बोला मशीन चलाने के लिए पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जो लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट में, अगर आप कोई स्पेशल मशीन की तरह स्पेशल मोल्ड, स्पेशल डिजाइन, स्पेशल सॉफ्टवेयर कुछ यूज कर रहे हो, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाया करेगा। ये एग्जाम्पल्स आपको, 6 एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ के रखने हैं, आपको इन्हीं 6 एग्जाम्पल के बीच में से पूछने वाला है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी, ये मैंने आपको लिखवा भी रखे हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में स्क्रिबल कर लो और एक बार देख लो कि क्या, बताओ इसमें से किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है क्या? अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बताओ। ये है हमारे वो 6 पॉइंट जो डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। पानी पी लूँ तब तक एक बार? पीते पीते बोलते बोलते गला थक जाता है, पानी पीना पड़ता है। डन अमित भाई, डन 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 डन, चलो क्लियर है? हाँ जी अमित भाई, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, एकदम क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, डन हो गया अपना, देख लो, डन 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 डन। तो अब बताओ क्या आपने और मैंने जो हमारा पहला पार्ट, कॉस्ट शीट का पहला पार्ट बनता था, क्या वो हमने खत्म किया? हाँ जी अमित भाई, अपन ने खत्म किया। मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना सिखाया, ठीक है, उसका पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस था।
मैंने आपको डायरेक्ट लेबर निकालना सिखाया, मेरी लेबर कैसे निकलती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे निकालना सिखाए, हाँ जी अहमद भाई सिखाए, ये सब मिलके मेरी डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट बनती है। और मेरा पहला इंपॉर्टेंट जो हेड होता है या पहला स्टॉप होता है या पहली जो बोलते हैं ना पहला स्टेशन जो आता है, पहला स्टेशन अपना प्राइम कॉस्ट पे आके खत्म हो गया। बताओ किसी ने कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है अपने दिमाग में? डन डना डन डना डन डन। अब इसके बाद में बाकी थोड़े बहुत और अपन खर्चे ऐड करेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? ओके, अब आओ यहां पे आप लोग मेरे साथ एक ड्राइंग अपन सीखते हैं। चलो अमित भाई ड्राइंग भी सीखते हैं। कौन सी ड्राइंग? कल अपन ने देखा भी था, हुआ क्या? हो मैं निकला हो गड्डी लेके, हुआ क्या? एक गाड़ी वाला हमारा रॉ मटेरियल, गाड़ी वाला आया जल्दी रॉ मटेरियल निकाल, रॉ मटेरियल मेरे पास गाड़ी वाला लेके आ गया। हाँ जी अमित भाई, रॉ मटेरियल लेके आया गाड़ी वाला, छुक 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 छुक। अब बताओ रॉ मटेरियल जब वो लेके आएगा कहाँ लेके आएगा? अमित भाई मेरी फैक्ट्री के अंदर। ये रही एबी लिमिटेड की फैक्ट्री, आप सब लोग जानते हो इतनी शानदार फैक्ट्री है हमारी, ये धुआं निकल रहा है, ये यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे उसने रॉ मटेरियल लेके आया, मैंने लेबर को बोला भैया तू मेहनत कर, और मैंने डायरेक्ट खर्चे लगाए। अब ये सब लगाने के बाद आपको नहीं लगता कि मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई होगी? हाँ भाई अपनी प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गई होगी, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुई होगी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे खर्चे लगने नहीं चालू हो गए होंगे? अमित भाई कौन कौन से खर्चे? देखो चलो बताता हूँ अब क्या हुआ होगा, वहां से अपन देखेंगे। चलो फैक्ट्री के अंदर मेरा सुपरवाइजर होगा जो काम कर रहा होगा, हाँ अमित भाई सबकी निगरानी रख रहा होगा। याद करो सुपरवाइजर का खर्चा क्या होता है अमित भाई? इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। आपने फैक्ट्री रेंट पे ली होगी, फैक्ट्री का रेंट आपका इनडायरेक्ट खर्चा, हाँ जी अमित भाई। मशीन्स जो आपने खरीदी है उनका डेप्रिसिएशन का खर्चा, जो आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रखी है उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन का खर्चा, ये सारे खर्चे आपके फैक्ट्री के अंदर लगना चालू हो जाएंगे, जिनको हम साथ में क्या बोलते हैं, ये है मेरे इनडायरेक्ट खर्चे जो मैं फैक्ट्री के अंदर करता हूं, इसीलिए मैं इनको बोला करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड। बता दो आप लोग क्लियर हो क्या इस पॉइंट तक? हाँ जी अमित भाई ये अपना परफेक्ट है, मतलब वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो मैं फैक्ट्री के अंदर करता हूँ बोलता हूँ उनको मैं फैक्ट्री का ओवरहेड। दैट्स इट, डन अमित भाई, डना डन डना डन डन, परफेक्टो परफेक्टो। आओ यहाँ पे अपन देखते हैं क्या दिया है। ता-ता-ता, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वो इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता लेकिन काम किया जाता है। ओके अमित भाई कौन कौन सा? चलो एक एक करके देखते हैं। आपको डेप्रिसिएशन का तो पता चल ही गया, डेप्रिसिएशन जो लग रहा है मशीन के ऊपर, ठीक है। अगर मान लो आपने मशीन की मरम्मत भी करवा दी, मशीन की थोड़ी ठोक पीट करवा दी, खराब हो गई मरम्मत करवा दी, वो भी मेरा फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, ठीक है अमित भाई। आपने उस मशीन का इंश्योरेंस करवा दिया, मशीन का इंश्योरेंस भी मेरा खर्चा है, ठीक है। याद करो मैंने बोला था अगर कोई स्पेशल डिजाइन ले रखा है, हाँ अमित भाई, तो वो हो जाएगा एक्सपेंसेस, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मान लो कोई नॉर्मल डिजाइन है तो वो हमारा फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला था अगर स्पेशल मशीन को रेंट पे लेके आओगे तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर नॉर्मल मशीन को रेंट पे लेके आओगे तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। सुपरवाइजर भैया भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे आते थे, और कोई टूल रूम या पॉल्यूशन कंट्रोल। अब अमित भाई क्या करते हैं अपन फैक्ट्री के अंदर, क्या होता है ना फैक्ट्री के अंदर कभी आग वाग ना लग जाए या पॉल्यूशन ना फैले तो मैं पॉल्यूशन कंट्रोल का सामान रखता हूँ, इसको भी अपन फैक्ट्री का खर्चा बोल के फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देंगे। तो बताओ नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो भी आपका फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, आप सबसे पहले ये देखना क्या क्या वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है ना, क्या मेरा डायरेक्ट लेबर है ना, क्या मेरा डायरेक्ट खर्चा है ना। अब देखना क्या वो मेरी फैक्ट्री के अंदर लग रहा है, हाँ अमित भाई, तो अगर फैक्ट्री के अंदर लग रहा है पक्का मेरा फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ जाएगा। ओके अमित भाई, ओके डन डन डन। चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, तो आप लोग मेरे को बता दो आपने और मैंने मिलके फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या सीखा। अमित भाई सबसे पहले तो जो आप मशीन यूज कर रहे हो ना, हाँ,
उस मशीन और प्लांट पे, ठीक है, अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन लगाई, ठीक है, अगर आपने उसका कोई रिपेयर करवाया, ठीक है, अगर आपने उसका कोई इंश्योरेंस करवाया, ठीक है बाबा, एक तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ जी अहमद भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, मान लो अगर आपने कोई ना कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट यूज कर रखा है, ठीक है भैया, अगर आपके सुपरवाइजर वाले भैया वहां पे बैठे हैं जो खाली सब पे निगरानी रख रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है भैया, अगर मान लो आप किसी नॉर्मल मशीन को रेंट पे लेके आए हो, ओके अमित भाई, या फिर अगर आपके पास कोई नॉर्मल डिजाइन है, याद करो स्पेशल डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉर्मल डिजाइन फैक्ट्री ओवरहेड, स्पेशल मशीन का रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल मशीन का रेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और इसके बाद अगर मान लो आपके पास कोई, याद रखना, लूज टूल्स वगैरह, जिग्स वगैरह, जैसे कि अमित भाई छेनी हथौड़ी, याद करो अगर मान लो आप थोक पीट के लिए हथौड़ी का यूज कर रहे हो, क्या वो मटेरियल है? हाँ अमित भाई मटेरियल तो है, पर क्या डायरेक्टली मेरे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नहीं 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 अमित भाई, डायरेक्टली मेरे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के अंदर यूज होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ, एकदम मक्खन तरीके से क्लियर हो गया। होगा नहीं बाबा, हम पढ़ाएंगे आपको, क्लियर नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके अमन भाई मजा आ गया, देख लो यहां तक। चलो बताओ कोई पंगे नहीं? अमन भाई कोई पंगे नहीं, अपने को अपन तो एकदम मस्त स्मूथ क्लियर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लियर हुआ। हाँ अमन भाई, तो एक बात बताओ, अब मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर आ रहा हूं, आखिरी पड़ाव। मैं क्या करूंगा यहां पे अगला, इसमें अब जैसे ही अपन ने किया ये आ जाएगा अपना फैक्ट्री का ओवरहेड्स, जुड़ना यहां पे स्टार्ट हो जाएगा, अपना नेक्स्ट पड़ाव आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, जैसे ही आपने फैक्ट्री जोड़ी ना, जैसे ही आपने फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ी, आपके पास एक काम हो जाएगा पूरा। कौन सा काम अमित भाई? बताता हूँ बताता हूँ, जैसे ही आपने फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ी, आ, 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 हाँ लो, आपने जैसे ही फैक्ट्री कॉस्ट को जोड़ा, आपका एक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन आईसीआई उस एक काम को मानता नहीं है। कौन सा काम अमित भाई? हम उसको प्यार से बोला करते हैं, प्यार से बोला करते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या अमित भाई? क्या 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 मतलब? आपके फैक्ट्री में मोटा मोटी कितना खर्चा लग गया? आपके फैक्ट्री में मोटा मोटी कितना खर्चा लग गया बताओ, क्लियर है यहां तक? हाँ अमित भाई, मेरे को फैक्ट्री में ये सारे खर्चे ये तो लग ही चुके थे, उसके बाद इन सब में ऐड करूंगा, इन सब में ऐड करूंगा फैक्ट्री का ओवरहेड्स, निकल के आएगा मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो अमित भाई यही तो पूछता है ना, देखो देखो आप यही तो बोल रहे थे ना। ना अमित, ना 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 ना, ये नहीं बोल रहा था मैं। क्यों? अब देखना, आपने रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्ट बनाया, जरूरी थोड़ी है सारे प्रोडक्ट पूरे बन गए होंगे। अब देखना मेरा काम है जूते बनाना, ठीक है, अचानक 31 दिसंबर को जब मैंने अपनी शॉप को बंद किया होगा, गोडाउन को, ताकि मैं नया साल स्टार्ट कर सकूं, या 31 मार्च को, जरूरी थोड़ी है सारे जूते एकदम फुल रेडी होंगे। हो सकता है कोई जूते हो जिनका आधा अपर बॉडी बन के तैयार हो, कोई जूते होंगे जिनकी आधी लोअर बॉडी बन के तैयार हो, ऐसे जूते पड़े होंगे ना। हाँ जी अमित भाई, तो देखो अपन क्या करते हैं, अपन कुछ नहीं करते इसमें, सबसे पहले प्यारे तरीके से, सबसे पहले जो पिछले साल का आपके पास WIP पड़ा हुआ था उसको जोड़ता हूं, और इस साल का जो कोई WIP होता है उसको माइनस करता हूं। याद करो मैंने ऊपर ये सेम नाटक, याद करो याद करो याद करो, ऊपर मैंने ये सेम नाटक रॉ मटेरियल के साथ किया था, जिसमें मैंने ओपनिंग रॉ मटेरियल जोड़ा था, हाँ जी अमित भाई, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस किया था, हाँ जी अमित भाई। तो चलो ओपनिंग WIP को जोड़ो, क्लोजिंग WIP को माइनस करो, और जैसे ही ये काम कर दोगे तुम, जैसे ही ये काम को सॉल्व कर दोगे, अंजाम दे दोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा फेवरेट प्यारा सा निकल के आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? बताओ बताओ बताओ, अपन बोलते हैं जिसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि है तुम्हारा दूसरा पड़ाव। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक मैंने इसको जोड़ा, ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे, ये मेरा दूसरा पड़ाव भी यहां पे आके खत्म हो जाता है।
बता दो यहां तक किसी को कोई पंगा हुआ तो। अमित भाई इतना मक्खन तरीके से, स्मूथ तरीके से, बस आपको कुछ नहीं करना बाबा। इस पूरे चैप्टर में आपको इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ सजाने के नंबर देने वाला है। बताओ, अगर आपको पता हो कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा तो आपको तो बस उसको पुट करते जाना है, और जैसे जैसे पुट करते जाओगे वो तो बनता हुआ चला जाएगा। हाँ अमित भाई, ठीक है, पहला लेग समझ में आया, पहला स्टॉप समझ में आया, पहला स्टेशन था आपका प्राइम कॉस्ट का। डायरेक्ट मटेरियल जोड़ो, जोड़ दिया, डायरेक्ट लेबर जोड़ो, जोड़ दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो, जोड़ दिया। पहला पड़ाव मेरा खत्म, आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद दूसरा पड़ाव, दूसरे पड़ाव में फैक्ट्री में जितना भी खर्चा लग रहा है इनडायरेक्ट, कौन कौन सा खर्चा लगता है जल्दी जल्दी बताओगे आप लोग मुझे? किधर लिखा हमने, किधर लिखा फैक्ट्री का खर्चा? अरे किधर लिख दिया भैया? ये नीचे लिखा ना, फैक्ट्री का खर्चा मैंने यहां पे लिखा। कौन सा? अगर आपने प्लांट और मशीन जो फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, जो फैक्ट्री में यूज कर रहे हो याद रखना, उस पे डेप्रिसिएशन लगाया, उस पे रिपेयर लगाया, उस पे इंश्योरेंस लगाया, ये सब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। ओके अमित भाई, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद अगर मान लो आपने कोई लूज टूल्स वगैरह या जिग्स रखे, जैसे छेनी हथौड़ी वगैरह, या फिर आपने फैक्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल का सामान लगाया, या फिर आपने सुपरवाइजर को सैलरी दी, वो क्या मुच्छड़ आदमी जो बस लोगों पे निगरानी रखता है और कुछ भी काम ना करता, ठीक है? याद करो मैंने बोला क्या, अगर मशीन स्पेशल है उसका रेंट जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, अगर मशीन नॉर्मल है उसका रेंट जाएगा कहां पे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर मैंने बोला डिजाइन, अगर डिजाइन आपका स्पेशल है, मोल्ड्स है, कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। डिजाइन आपका नॉर्मल है, आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। यहां तक आने के बाद आपके दो पड़ाव पूरे के पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। हाँ जी अमित भाई, अब हम तीसरे पड़ाव के ऊपर जंप करने वाले हैं। डन क्या? डना डन, डना डन, डन। अब देखो गाइस, यहां तक पहुंचने के बाद ना, हाँ जी अमित भाई, पांच ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सीधा सीधा उठ के आएंगे और फटाफट से ऐड हो जाएंगे। मैं भी उनको फटाफट से लिखता हूं और एक कहानी के साथ लिखता हूं, ठीक है? चलो, आपका काम है ना अच्छा सामान देना लोगों को, ठीक है? मेरा काम क्या है कि भैया मैं अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। हर एक कंपनी सोचती है कि भैया हम अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। हाँ जी, एकदम अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हर एक कंपनी को रिसर्च करनी पड़ती है। हाँ जी अहमद भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ठीक है अहमद भाई? और क्या होता है? और सुनना, और सुनना, अच्छी अच्छी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, हाँ, और उसके लिए ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं, ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन हुआ करते हैं। क्या अमित भाई, क्या 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 क्या? चलो चलो, जब मैं यहां तक लिख ही दिया है तो मैं आपको दो चीजें और लिख दूं जो ऐड हुआ करती हैं। कौन कौन सी? देखना, भाई भाई भाई, ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, हमें भी बताओ ना। अरे बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चल देखो, ओके, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसके साथ? अपन स्टार्ट करते हैं क्वालिटी के साथ। तो भैया देखो, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी आपकी कुछ कॉस्ट लगती होंगी। क्यों? क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे अभी क्या किया, फैक्ट्री में सामान बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो कहाँ गई अमित भाई की फैक्ट्री? अरे हमारी फैक्ट्री थी ना इधर ही किधर। अरे मेरी फैक्ट्री कहाँ गई, मेरी फैक्ट्री गायब हो गई। हाँ ये रही मेरी फैक्ट्री, यहाँ पे आप फैक्ट्री में अपन प्रोडक्शन कर रहे थे। हाँ एक बात बताना, क्या मेरा काम ये नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी क्वालिटी भी मेंटेन करके रखूं? हाँ अमित भाई, तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अच्छा अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी करना पड़ता है। हाँ जी अमित भाई, हाँ, तो दो पॉइंट्स तो मेरे यहीं तक आ गए। बताओ आपको कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना गाइज, एक तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे आपके पास। आपने सबसे पहले अच्छी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, उसके लिए आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा किया। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस में कुछ खर्चा होता है जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है,
इसका एग्जाम्पल अमित भाई ऐसा कोई भी एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे ना दे रखा, और ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ लिख के दे देगा, एडमिन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब मेरे ऐसे खर्चे जो मैंने ऑफिस में किए जो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, कोई ना कोई ऐसा खर्चा दे ही देते हैं, ठीक है। बताओ तो ये तीन पॉइंट अपन जोड़ा करेंगे कहां के बाद, जैसे ही आपने नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली, फैक्ट्री में काम हो गया, अब मेरा काम है क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, और ऑफिस वालों को बोलूंगा कोई खर्चा कर दो प्रोडक्शन के लिए। अब देखना गाइज, जब आपने सामान बना दिया तो मेरे पास दो तरह की पैकिंग आती है, आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे पैकेजिंग का, मेरे पास दो तरह की पैकेजिंग हुआ करती है, चलो बताता हूं कैसे कैसे। आ, 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 ये है अपने पास, रुक जाओ, चलो आओ ये देखो मैं आपको दिखाता हूं दिखाता हूं दिखाता हूं। हाँ चल, आप किसी भी कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल को अगर आप एक बार पकड़ के देख लो, चलो आ जाओ, मान लो आपके पास पैकिंग होती है दो तरह की, कौन कौन सी, एक का नाम होता है प्राइमरी पैकिंग, एक का नाम होता है सेकेंडरी पैकिंग। बोले तो अमित भाई बताता हूं, एक प्राइमरी पैकिंग एक आपकी सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग किसको कहते हैं, प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है जो अगर आप यूज ना करो तो आपका सामान खराब हो जाए, मतलब इफ नॉट यूज्ड द पैकेजिंग पैकेजिंग विच प्रिवेंट्स प्रोडक्ट फ्रॉम इनी लीकेज या डैमेज या जो भी आपकी इनिशियल स्टोरेज के लिए, जैसे कि मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूं, जब आप ऑयल खरीद के लाते हो सर में लगाने वाला तेल, वो किसी डब्बे के अंदर आता है, हाँ, क्या आप बोलते हो भाई नारियल का तेल दे दे चाहिए मेरे को, तो क्या वो हाथ में से चुल्लू भर में दे देता है, नहीं अमित भाई, किसी डब्बे के अंदर पैक करके देता है, वो डब्बा होता है मेरा प्राइमरी पैकिंग। और सेकेंडरी पैकिंग, पैकिंग यूज्ड किस चीज के लिए, फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, वो पैकेजिंग जो आपकी एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए यूज करी जाती है। देखो आप जब डब्बा खरीद के लेके आते होगे, एक तो आपको मान लो ऑयल की ऐसी बॉटल मिलती है, ये रहा आपका ऑयल, अमित भाई ये ऑयल की बॉटल छोड़ के कुछ और ही बॉटल लग रही है, अरे ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, ये मान लो कोकोनट को ऑयल, ठीक है। अब इसको ना एक बड़े से डब्बे के अंदर पैक किया जाता है, जहां आप खरीद के लेके आते हो, जिसको आप लाते हो निकालते हो फाड़ के फेंक देते हो, जिसका कोई काम नहीं होता है ना, उस बड़े से डब्बे को जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग करता हूं, जिस जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्रोडक्ट के लिए, क्या उसके बिना तुम्हारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, नहीं अमित भाई, बॉटल तो वैसी की वैसी पैक रहेगी ना, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी पैकिंग। जो आपका प्राइमरी पैकिंग होता है वो मैं यहाँ पे ऐड किया करता हूं, बता दो, यहां पे जो आपका प्राइमरी पैकेजिंग हुआ करता है वो मैं ऐड किया करता हूं, बता दो, कोई दिक्कत अमित भाई, यहां तक कोई पंगे अपने को, कोई दिक्कत समझ में नहीं आई। इसके बाद एक चीज याद करो भैया, मैंने बोला था जब तुम रॉ मटेरियल का स्क्रैप बन रहा है तो तुमने बोला था भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस कर दे क्योंकि इतने पैसे मेरे बच गए, हो सकता है ना जब तुमने फिनिश गुड्स बना रहे हो कुछ फिनिश्ड गुड्स भी टूट गया हो, टूटा हुआ बन गया हो, टूटा हुआ साज हूं मैं खुद से ही नाराज, हाँ, समझ गया अमित भाई, बहुत गाना गाते हो, फिनिश गुड्स भी टूटा हुआ बन सकता है, हाँ अमित भाई फिनिश गुड्स भी टूटा हुआ बन सकता है, इस टूटे हुए फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी मैं माइनस कर देता हूं, माइनस स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसे ही आप माइनस करोगे, देखो किधर गया भैया, जैसे ही आपने ये माइनस किया, आपके पास
एक आइटम बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा अमित भाई, हाँ, और उस पड़ाव का, उस मुकाम का, उस स्टेज का, जो याद है ना, मैं बोल रहा था स्टेशन, उस स्टेशन का याद होगा, नाम होगा क्या अमित भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप जितना सामान बना रहे हो उस सामान को बनाने की कॉस्ट। अमित भाई समझ में नहीं आया, एक बार ये फिर से समझाना, समझाता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताओ यहां तक क्लियर है? हाँ अमित भाई एक बार क्लियर तो है, लेकिन एक बार दोबारा से बता देना। चलो मेरी बात सुनो, आपने फैक्ट्री तक की कॉस्ट समझ ली थी? हाँ अमित भाई। उसके बाद ना ये 5 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो मेरे से ना लोग ये पूछते हैं, अमित भाई इन 5 पॉइंट को ऊपर नीचे लिख सकते हो क्या? देखो बॉक्स के अंदर ये जो बनाया ना मैंने, ये तो आपको ऐसे ही लिखना है। इन 5ों को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, मतलब रिसर्च ऊपर, क्वालिटी नीचे, एडमिन ऊपर, इस बॉक्स के अंदर आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। अब देखना, मैंने बोला सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट। कोई भी ऐसी कॉस्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आप इनकर करते हो किस चीज के लिए? टू मेंटेन या ब्रिंग द क्वालिटी। या तो आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है या आपको क्वालिटी लेके आनी है, उसके लिए आप जो भी खर्चा करोगे उसको बोलते हैं अपन क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट। ठीक है? हाँ मैं भाई। उसके बाद अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बोल देगा, क्या बोल देगा कि भैया आपकी एडमिन कॉस्ट है, आपकी एडमिन कॉस्ट है, मतलब ऑफिस का खर्चा है, लेकिन वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन के काम में आ रहा है, तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और उसके बाद सबसे पहले ऐड करूंगा प्राइमरी पैकिंग, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे मेरा सामान बचता है, और माइनस कर दूंगा स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मान लो कोई आपने फिनिश गुड्स बनाया ना जो खराब हो गया, तो उसको बेच दूंगा, और उसको बेच के मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे से मेरी बचत हो जाएगी, और सेविंग्स में माइनस कर दूंगा। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक इतना करने के बाद, इतना करने के बाद यहां पे आप लोग वेट करो इसका। आ, 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 इसको मुझे डिजाइन करने दो। ठीक है भाई, ये अपन ने डिजाइन किया यहां पे। ये जो खर्चा आया यहां तक, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अमित भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब समझना, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, और मैं इसीलिए इस डिटेल में समझाता हूं इसको आराम से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन किसको कहा करते हैं, ध्यान से सुनो। जितना भी आपने, जितना आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, जितना भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, उसे प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना लगा? मतलब अमित भाई एक बार फिर से समझा दोगे क्या? हाँ, मैं आपको समझा दूंगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एक सेकेंड इसको जरा ऊपर कर दें। अब देखना आपके पास हुआ क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। ओके अमित भाई, चल सबसे पहले अपन ने देखा रॉ मटेरियल मैंने लगाया, फिर उसके बाद लेबर लगाया, एक्सपेंसेस लगाए, फैक्ट्री का खर्चा लगाया, 5 जो नए इंपॉर्टेंट खर्चे आए थे वो सब भी लगा दिए। वो सब लगाने के बाद आपकी फैक्ट्री थी ना, ये मेरी फैक्ट्री थी अमित भाई, यहां पे मेरा सामान बन के हो गया होगा तैयार। ठीक है? तो अगर मान लो आपने ईयर 2021 में टोटल 1,40,000 सामान बनाए हैं, क्या बोला मैंने फिर से, 1,40,000 यूनिट्स बनाई है, उस यूनिट्स को बनाने का जो खर्चा लगा वो बोलते हैं अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या मैंने बोला होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनना है, समझना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उस साल आपने जितने प्रोडक्ट्स बनाए, उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। फिर से सुनना, उस साल आपने जितने प्रोडक्ट्स बनाए,
उसको बनाने का खर्चा, एक्सपेंसेस, उसको बनाने के एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं क्या, उसके बनाने के एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बता दो किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां तक। मतलब अगर मान लो इन सब को बनाने के बाद, इन सब को खर्चा करने के बाद आपने टोटल एट द पॉइंट ऑफ फैक्ट्री 1,50,000 यूनिट्स बनाई होंगी, तो जितनी कॉस्ट होगी ना वो इस 1,50,000 यूनिट्स को बनाने की होगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब एक बात और समझना, कई बार कॉस्ट शीट में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? पूछा जाता है आपसे कि भाई सुनो ना, मुझे पर यूनिट कॉस्ट बताओ ना, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी लग गई। तो पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं, आपने जितनी यूनिट्स बनाई होती हैं, ध्यान से सुनना, आपने जितनी यूनिट्स बनाई होती हैं उस साल, मैं उससे डिवाइड करता हूं, टोटल कॉस्ट है। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी उससे डिवाइड करता चला जाऊंगा। कहां तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। यहां तक जितने भी खर्चे हैं उनको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, मतलब जो बनाई, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करते हुए चले जाओ, डिवाइड करते हुए चले जाओ। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कॉस्ट पर यूनिट लगा है। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। आओ मैं यहां पे आपको इनकी डेफिनेशन पढ़वाता हूं। चलो भाई इनकी डेफिनेशन पे जंप करके चलते हैं अपन। फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने आपको पढ़ा दिया था। हाँ, टैक्सेशन वाला पॉइंट अपन ने सीख लिया था। उसके बाद मैंने बोला क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। मतलब अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट खर्चा किया, क्वालिटी कंट्रोल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट करनी है नई प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, तो उसको बोलेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एडमिन ओवरहेड याद रखना, लिंक्ड टू प्रोडक्शन, मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन में पता है कैसे पता करेंगे? ट्रिक है यहां पे एक। क्वेश्चन में आप और मैं, क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि ये एडमिन कॉस्ट, ऑफिस की कॉस्ट नॉर्मल वाली है या रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? मतलब अमित भाई अपने को समझ में नहीं आया। देखो मैंने आपको बोला था एडमिन कॉस्ट अपनी दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की? एडमिन कॉस्ट एक अपनी होती है जो मेरे को प्रोडक्शन में काम आती है, हाँ, और एक मेरी नॉर्मल एडमिन कॉस्ट होती है जो ऑफिस में लगा करती है। ठीक है भैया, तो मैं कैसे पता करूंगा ये नॉर्मल एडमिन कॉस्ट है या रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि इट इज एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन बोलेगा कि एडमिन ओवरहेड इज 2 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे। अगर यूनिट्स आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे बता रहा है कि कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस कर रखी है, क्या मैंने बोला, फिर से सुनना, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे बता रखा है, तो मतलब तब भी ये मेरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होने वाला है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई अपने को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। एडमिन ओवरहेड अगर रिलेटेड टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, देखो सुनना मेरी बात, क्या मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया कि यहां तक जितनी भी यूनिट्स है, यहां तक जितनी भी यूनिट्स है उनकी पर यूनिट निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करता हूं। हां जी अहमद भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से अपन डिवाइड करते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी एडमिन ओवरहेड दिया हो रिलेटेड टू नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, तो वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा। या फिर एक और ट्रिक निकाल के लाया, अगर कभी भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, एडमिन ओवरहेड एडजस्टमेंट के अंदर अकेला गिवन हो, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 5 दिया है, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हो एडमिन ओवरहेड इज रुपीज 1,00,000, अगर एडमिन ओवरहेड ऐसे अकेला खड़ा हुआ तुम्हें दिख जाए तब भी इसका मतलब है कि एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू अपन ने कंफ्यूजन सॉल्व करने की ट्राई करी है। जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे यहाँ पे दिक्कत आती है और कैसे अपन ने प्यारे तरीके से दिक्कत को सॉल्व कर लिया है। डन डना डन डना डन डन। अब देखो गाइज, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ वो एडमिन का पॉइंट जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे अगर देखोगे आप, हमारे पास एडमिन कॉस्ट भी दो जगह पे आती है, एक तो ये रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आती है और एक वापस नीचे से हमारे पास नॉर्मल एडमिन कॉस्ट भी आती आती है। अब देखना, मैं यहाँ पे जब बना रहा था
तो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपकी एडमिन कॉस्ट भी दो तरह से आएगी। एडमिन कॉस्ट पहले बता दो किसको कहते हैं, आप सब जानते हो जितनी भी कॉस्ट ऑफिस में करी जाती है उसको बोलते हैं एडमिन कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो आ जाएगी यहाँ पे, और वरना उसको मैं बोला करूंगा जनरल एडमिन कॉस्ट, और वो चली जाएगी बाद में कहीं और एडजस्ट करने के लिए। कैसे पता चलेगा मुझे एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नहीं है? तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन में दिया होगा, इट इज रिलेटेड क्वेश्चन में ही लिखा होगा, ठीक है। अगर ना लिखा हो तो क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट दिया होगा, पता है सेकंड पॉइंट क्या दिया होगा, क्या दिया होगा, लिखा होगा इट इज रिलेटेड के बाद लिखा होगा एडमिन ओवरहेड पर यूनिट बेस्ड ऑन पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस्ड किया है उसके बेसिस पे, एडमिन ओवरहेड और पर यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लो दिया होगा एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब जितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करी उसके बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगा ₹2 पर यूनिट। चलो डन। इसके बाद नेक्स्ट समझना, लास्ट में अगर कभी एडमिन ओवरहेड एडजस्टमेंट में आपको अकेला खड़ा हुआ दिख जाए, एडमिन ओवरहेड एडजस्टमेंट में अकेला खड़ा दिख जाए, जैसे मान लो पॉइंट नंबर 5 दिया है आपको कोई सेलिंग कॉस्ट, और पॉइंट नंबर 6 लिखा हो आपको एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू ₹2 10,000, चलो मान लो, तो ये भी मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा। तीन टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने क्वेश्चन के बीच से उठा रखी है। ओके अमित भाई, चलो चलो चलो, यहां तक अपना पॉइंट डन, बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा जो भी मेरे पास बचेगा वो हो जाएगा मेरा जनरल एडमिन ओवरहेड। बताओ यहां तक डन? डन। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूं। ओके अमित भाई क्या समझाने जा रहे हो बताओ, हमें भी बताओ। चलो हमारे तीन पड़ाव खत्म हो गए, प्राइम कॉस्ट का खत्म कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, फैक्ट्री कॉस्ट खत्म किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खत्म किया। अब अपने पास एक और पड़ाव आने वाला है, कौन सा, आओ देखते हैं। एक सेकेंड, इसको जरा मैं इरेज कर लूं। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट में क्या हुआ, मैंने बोला जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक खेल और बचेगा, क्या याद है मैंने रॉ मटेरियल के साथ खेला था, ओपनिंग रॉ मटेरियल जोड़ा क्लोजिंग माइनस किया, फिर WIP के साथ खेला, ओपनिंग WIP जोड़ा क्लोजिंग माइनस किया। अब मैं खेलूंगा लास्ट फिनिश्ड गुड्स के साथ, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स को ऐड करूंगा, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर दूंगा। इससे ही मेरा आ जाएगा नेक्स्ट पड़ाव, कौन सा बताता हूं। जैसे ही आप ये लिखोगे आपके पास आपका नेक्स्ट पड़ाव आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको अपन बोला करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जितने सामान बेचे हैं, उस सामान को बेचने की कॉस्ट कितनी लगी है, मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया, उस सामान को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी है। सुनना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फर्क है, ठीक है अमित भाई आप हमें समझाओ, हम समझते हैं। आओ देखते हैं, यहां पे मैं इसको जरा रंग दूं, रंग दे मोहे लाल। चलो हुआ क्या होगा, हाँ अमित भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तो होता है कि आपने जितना यूनिट्स बनाया उसको बनाने की कॉस्ट कितनी है। हाँ मान लो अमित भाई हुआ क्या कि मैंने 150,000 यूनिट्स बनाए थे, अब देखना क्या होगा, मेरे पास ना कुछ यूनिट्स पहले से बन के रखे हुए भी होंगे। मान लो जैसे क्या हुआ होगा, 150,000 है और मेरे पास 10,000 यूनिट्स मैंने पिछले साल बना के रख ली थी, और मैंने इस साल 20,000 यूनिट्स नहीं बेची या नहीं बेच पाया, तो आपने एक्चुअल यूनिट्स कितना बेचा होगा, 150 पड़ा हुआ था, 10 और पुराना, 170, उसमें से 20 बच गया, मतलब कितना हुआ होगा, 160 में से 20 बच गया, मतलब आपने 140,000 यूनिट्स सेल करी होंगी। हाँ जी अमित भाई, 140,000 यूनिट्स अपन ने बेची होंगी। हाँ अमित भाई वेरी गुड। अब इसमें क्या हुआ वो देखो, क्या हुआ भाई बताओ मेरे को भी, आपने 140,000 यूनिट्स बेची। हाँ जी अमित भाई, तो जितनी यूनिट्स आपने सेल करी, उनको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना था,
यहां पे मैं आपसे कह रहा था जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं, मैंने प्रोड्यूस कितनी करी थी ध्यान से सुनना गाइस, मैंने प्रोड्यूस करी थी 150,000 यूनिट्स। 150,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर मेरे पास 10,000 पुराना भी था, 20,000 में नहीं भी बेच पाया, तो आपने बेची 140,000 यूनिट्स। 140,000 यूनिट्स जो आपने बेची है उसको बनाने का कॉस्ट कितना आया? सबसे पहले था जितनी यूनिट्स बनाई उनको बनाने का कॉस्ट, फिर उसके बाद आया जितनी यूनिट्स बेची उसको बनाने का कॉस्ट कितना आया, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है अमन भाई, इसके बाद अपने पास बस अब लास्ट अपना आइटम है जिसमें बचे कुछ आइटम्स में डालने वाला हूं, जो जो छोड़ाए हम वो गलियां, आप जो जो छोड़ के आए थे अब उसको लिखो। क्या याद है आपने एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा था? हाँ, लेकिन आपने जनरल एडमिन कॉस्ट छोड़ आए थे, जनरल एडमिन ओवरहेड को आप ऊपर छोड़ के आ गए थे। हाँ याद है आपने प्राइमरी पैकेजिंग तो लिखी थी ऊपर, सेकेंडरी पैकेजिंग आपने छोड़ दी थी। हाँ सेकेंडरी पैकेजिंग यहां आ जाएगी। फिर उसके बाद आएगा अगर मैं सामान को बेच रहा हूं तो सामान को बेचने का खर्चा, सेलिंग ओवरहेड। और उसके बाद अगर आप सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अमित भाई डिस्ट्रीब्यूट करना सेल करना तो मतलब मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने मार्केटिंग करी, मैंने कुछ और किया, एडवर्टाइज किया, इन सबको बोला जाता है सेल करने की कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब जब मैं कस्टमर के घर तक सामान दे के आता हूं उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट। ठीक है बाबा, डन, बात खत्म। जैसे ही आप ये काम आपका खत्म कर दोगे, आप जैसे ही अपना ये काम खत्म करोगे, ये खत्म करते ही आपके पास एक पॉइंट बचेगा। क्या मैं बताता हूं, देखो जैसे ही आपने ये सारे खर्चे जोड़ दिए आपके पास एक आइटम निकल के आएगी जिसका नाम होगा क्या, लास्ट आइटम, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जितना सामान आपने बेचा उसको बेचने की कॉस्ट कितनी लगी? देखो एक एक करके समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से, आराम से आप समझ जाओगे, कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो मैं दिखा देता हूं यहां पे लिख के, रुक जाओ यहां तक मैं लिख के दिखा देता हूं। हाँ चलो आप एक एक करके मुझे बताओगे, एक एक करके बताना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना आपने, हिंदी में लिखते हैं, जितना सामान बनाया, जितना सामान आपने बनाया उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आई। मान लो आपने जितना भी सामान बनाया है, मान लो 1,000 यूनिट्स, 1,50,000, जितना भी सामान बनाया उसको बनाने की कॉस्ट, ठीक है। ये है जितना सामान बेचा, जितना सामान आपने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, उसको बनाने की कॉस्ट। बहुत डिटेल में प्यारे तरीके से समझ रहे हैं आप, आराम से पकड़ पाओगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है जितना सामान आपने बेचा उसको बेचने की कॉस्ट कितनी आई, उसको बेचने की कॉस्ट कितनी आई। समझ में आ गया? देखो वापस से बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितना सामान बनाया उसको बनाने की कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना सामान आपने बेचा उसको बेचने की कॉस्ट। बस यहां तक करते ही आपकी पूरी कॉस्ट शीट तैयार हो गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी यहां तक की पूरी कॉस्ट शीट जाके अब आपकी खत्म हो जाती है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, मतलब हमने पूरी कॉस्ट शीट पढ़ ली? हाँ बाबा आपने पूरी कॉस्ट शीट पढ़ ली, बताओ कोई दिक्कत हुई क्या यहां तक आपको?
बताओ बताओ बताओ, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, आपको कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ तक? नहीं अमित भाई, अपने को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर है अपने दिमाग में सब कुछ। देखो कितने पड़ाव आए अपने पास। सबसे पहले कॉस्ट शीट में अपन ने कहां से स्टार्ट किया, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको भी दिखता रहे अच्छे से। कॉस्ट शीट में मैंने सबसे पहले ब्लॉक से स्टार्ट किया, उसमें अपन ने क्या किया, मैंने बोला आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ के मेरी प्राइम कॉस्ट आई आई। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगले ब्लॉक पे जंप करते हैं। मैंने बोला उसके बाद भाई सामान चला जाएगा फैक्ट्री में बनने के लिए, फैक्ट्री के जितने खर्चे खर्चे लगा दो, फैक्ट्री कॉस्ट लग गई लग गई। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें जोड़ूंगा पिछले साल का कोई डब्ल्यू आई पी था, माइनस करूंगा इस साल का डब्ल्यू आई पी, आ जाएगा मेरे पास क्या, मेरे पास बन के आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। उसके बाद मैं जंप करूंगा तीसरे पड़ाव पे, आपको क्या करना है, पांच इंपॉर्टेंट कॉस्ट आईसीआई ने दे रखी है, कौन कौन सी, उन कॉस्ट का नाम बताओ। सबसे पहले अमित भैया मैं ना क्वालिटी मेंटेन रखना चाहता हूं, उसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने रिसर्च करी और ऑफिस वालों को बोला भाई आप कोई खर्चा करो ना ऑफिस कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। फिर मैंने अपने प्रोडक्ट को प्राइमरी डब्बे में पैक किया, और अगर कोई स्क्रैप था ना फिनिश्ड गुड्स का तो उसको बेच दिया, आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना सामान बनाया उसको बनाने की कॉस्ट। उसमें अमित भाई नाटक करूंगा, क्या नाटक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग पुराना स्टॉक जोड़ूंगा, नया क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट। और लास्ट में जो आइटम्स बच गए थे, कौन कौन सा, जनरल एडमिन कॉस्ट बच गया था, सेकेंडरी पैकेजिंग बच गया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बच गया था, उनको जोड़ दूंगा, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना सामान बेचा उसको बेचने की कॉस्ट। बस इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, किसी को कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको फटाफट से ऐड कर देना है आपका प्रॉफिट, ठीक है। आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी सेल्स, दैट्स इट, डना डन डना डन डन। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, तो ऐसे अगर मैं बनाऊं तो मेरा पूरा कॉस्ट शीट बन जाएगा, बस आपको पायदान याद रखने, 1 2 3 4 5, आपकी पूरी कॉस्ट शीट बन के तैयार है। अमित भाई ये तो बहुत ज्यादा मतलब आसान था, अब बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मेट में चीजों को डालते जाना है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा है। हाँ अब अगर मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं ना, हाँ जी अमित भाई आओ 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 आओ, किधर गया किधर गया किधर गया। हाँ मैंने आपको लास्ट एडमिन ओवरहेड खत्म कराया, उसके बाद ना गाइस जनरल एडमिन ओवरहेड एक बार अपन डेफिनेशन में देख लेते हैं। मतलब जनरल एडमिन ओवरहेड में कोई भी नॉर्मल ऑफिस का खर्चा, देखो ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, हाँ अमित भाई ये तो लग जाएगा, ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, हाँ अमित भाई, ऑफिस में डायरेक्टर बैठा है उसकी सैलरी, ऑफिस में कोई स्टेशनरी खरीद रहे हो, ऑफिस में कोई इनकम टैक्स का ऑडिट चल रहा है या कोई भी लीगल खर्चा चल रहा है, ऑफिस में मान लो कोई मीटिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस में कोई भी लाइटिंग वगैरह है, ये सारी चीजें अपनी ऑफिस के खर्चे में आ जाती हैं। इनफैक्ट पीएम रिलीफ का फंड, आपने प्रधानमंत्री को कोई डोनेशन दिया, वो भी ऑफिस के खर्चे में आ जाएगा। पर एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फाइन, कोई भी ऐसी चीजें हमारा पार्ट नहीं बनती, कॉस्ट शीट की पार्ट नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये सारे फाइनेंस कॉस्ट हुआ करते हैं, तो कोई भी पेनल्टी फाइन हमारा नुकसान, आप मतलब कोई भी आपने पेनल्टी दी या फाइन दिया, वो आपका नॉर्मल नेचर का तो पार्ट है ही नहीं, है ना, तो उसको मैं कभी भी अपने नहीं जोड़ के चलूंगा कॉस्ट शीट के अंदर। बता दो आपको कोई दिक्कत आई क्या यहां तक? अमित भाई अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। इसके बाद मैंने बोला सेल्स का खर्चा, अगर मान लो आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया, मीडिया को खर्चा दिया, वेबसाइट पे प्रचार किया, या फिर आपने अपने सेल्स के बंदे को पैसा दिया, या सेल्स डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन लगाया, ये सारे सेल वाले खर्चे आ जाएंगे, मतलब सामान बेचने का खर्चा, तो सेल्स ओवरहेड। और अगर आप सामान को घर घर तक पहुंचा रहे हो, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन में आप कोई व्हीकल यूज कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो उसका इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आ जाएंगे, और ऐसे जाके आपकी पूरी कॉस्ट शीट बनेगी। किधर गई हमारी कॉस्ट शीट, ये रही हमारी कॉस्ट शीट।
इसमें ना मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है जो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आती है, जो है जो है जो है जो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये मुझे आपको सिखा के चलना है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग बताओगे मुझे यहां तक, क्या यहां तक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर थे या किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत कहीं तक भी आपको निकल के आई थी? अमित भाई यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। चलो आप सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग जानते होंगे, आपने इन्वेंटरी चैप्टर कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, ट्वेल्थ में भी या फाउंडेशन से भी पढ़ के आए होंगे। तो एक बात बताओ, हम इन्वेंटरी को कौन से तीन तरीके से मेजर किया करते थे? देखते हैं कौन कौन बता सकता है। अमित भाई हम इन्वेंटरी को या तो फीफो मेथड से मेजर किया करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या तो वेटेड एवरेज का एक तरीके से मेजर करते थे कि अपना कोई वेटेड एवरेज कितना लग रहा है, या अपन लीफो मेथड लगाया करते थे, जो लास्ट में आया वो पहले चल जाएगा। फीफो मेथड क्या होता था भैया, जो सामान सबसे पहले आया है वो सबसे पहले बेचा जाएगा, जो बाद में आया है उसको बाद में बेचा जाएगा। यहां पूरे कॉस्ट शीट चैप्टर में आपको फीफो मेथड ही लगाना होगा, कोई वेटेड एवरेज कोई लीफो नहीं लगाने वाले, ठीक है? ओके अमन भाई देखो क्या होता है यहां पे, अपन समझते हैं। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इनका मतलब ही समझा देता हूं। फीफो क्या कहता था कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स दैट वॉज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट, जो फिनिश गुड्स फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ, हाँ, विल बी सोल्ड फर्स्ट, उसको बेचा भी सबसे पहले जाएगा। हाँ जी अमित भाई, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स लीफो मेथड में बोलता है दैट वॉज प्रोड्यूस्ड लास्ट, जिसको लास्ट में प्रोड्यूस किया गया था, विल बी सोल्ड फर्स्ट, उसको पहले बेचा जाएगा, विल बी सोल्ड फर्स्ट। और वेटेड एवरेज में हम क्या करते थे, वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला करते थे। डन क्या अमित भाई? डन अमित भाई, डन, कोई दिक्कत अपने को नहीं आई यहां तक। अब देखना गाइज यहां पे होगा क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर, एक बात बताओ, जब आप यहां तक पहुंचे, देखना देखना देखना, ध्यान से देखना, जब आप यहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंचे तो क्या कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपने इस साल 150,000 आइटम्स बनाए थे और उसको बनाने की टोटल कॉस्ट जोड़ते जोड़ते लग गई होगी, मान लो 450,000 रुपए, ठीक है? हाँ अमित भाई, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई 150,000 को इस साल बनाने की कॉस्ट लगी है कितनी, 450,000, ठीक है? आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी रह गया, 10,000 पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था जो आपने इस साल बेचा। अब बताना इसकी कॉस्ट मान लो कुछ 35,000 रुपए, कुछ भी मान लो 35,000 रुपए थी। एक बात बताओ, फीफो मेथड के बारे में सोच के देखना, आंख बंद करो और जरा मेरे साथ दिमाग लगाओ। फीफो मेथड बोलता है अमित भाई जो पहले बना था वो पहले बिक जाएगा, ठीक है? अब बताना आप लोग, मेरा ओपनिंग स्टॉक पहले बना था या इस साल की प्रोडक्शन आपने पहले बनाई, इन दोनों में से कौन सा पहले बना था? ऑब्वियस है ना अमित भाई, जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल से चलता हुआ आ रहा है वही मेरा सबसे पहले बना होगा। हाँ, तो मान लो अगर आपने इस साल 140,000 सामान बेचे तो क्या ऐसा हुआ होगा, 10,000 तो इसमें से बिक गया होगा और 130,000 इसमें से बिक गया होगा, मतलब आपके पास टोटल 20,000 आइटम्स पड़े होंगे किसमें से, इस वाली लॉट में से। बताओ ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, इस वाली लॉट में से 20,000 आइटम्स पड़े हुए होंगे या नहीं पड़े हुए होंगे? हाँ अमित भाई एक बार फिर से बता दो। देखो मैं यहां पे आपको लिखता हूं, मैंने क्या बोला आपको, फीफो में जो गुड्स पहले बनता है वो पहले बिक जाता है, एंड 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 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज फ्रॉम लेटेस्ट प्रोडक्शन, जो हमने लेटेस्ट सामान बनाया था उसमें से मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक इज फ्रॉम ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना होता है, ओल्डेस्ट प्रोडक्शन में से होता है।
और यहाँ पे तो वेटेड एवरेज का यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, डन। आओ जरा यहाँ पे देखना, आप लोग आराम से धीरे धीरे समझने की ट्राई करना। हाँ जी अहमद भाई, क्या आपके पास जो 20,000 यूनिट्स बचे होंगे फीफो मेथड में, वो इसी लॉट में से बचे होंगे? बता दो, क्या इस लॉट में से बचे होंगे? हाँ जी अहमद भाई, इस लॉट में से बचे होंगे। चलो अब एक जादू खेलते हैं। क्या भाई, इस लॉट में ना, जब मैंने 1,50,000 आइटम्स बनाए थे, उसको बनाने की कॉस्ट लगी 4,50,000। क्या मैं बोल सकता हूं इस लॉट में एक आइटम को बनाने की कॉस्ट लगी 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, मतलब 3 रुपए? क्या एक आइटम को बनाने की 3 रुपए लगी, मैं बोल सकता हूं इस लॉट में? हाँ। तो 20,000 आइटम्स को बनाने की कितनी कॉस्ट लगी होगी? 60,000। आंसर आ गया क्या? देखो देखो देखो, कितना आसान था। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना। मैंने क्या किया, मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, पूरे कॉस्ट शीट में फीफो मेथड ही फॉलो किया जाता है। अब बताओ हुआ क्या होगा, 1,50,000 आइटम्स बनाए थे मैंने इस साल, करेंट ईयर, और ये था मेरा ओपनिंग स्टॉक में से, ठीक है? अब बताओ मैंने 1,40,000 यूनिट सेल करी। अब बताओ, सोचो, क्या 10,000 सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक में से बिक गया होगा? हाँ। क्या इसमें से मैंने 1,30,000 यूनिट्स बेच दिया होगा? हाँ। तो बचा कितना होगा, 1,20,000 आइटम्स बच गए होंगे। चलो अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, ये 20,000 आइटम्स कौन सी वाली लॉट में से बचा है, इस लॉट में बचा है या इस लॉट में बच रखा है? अमित भाई ऑब्वियस है ना, इस वाली लॉट के अंदर से बचा हुआ है। अब देखो, इस लॉट में, या इस, अगर मैं ग्रुप की बात करूं, लॉट छोड़ो ग्रुप की, आपने 1,50,000 आइटम्स बनाए थे जिसको कॉस्ट लगी 4,50,000, एक आइटम को बनाने की कॉस्ट कितनी लग गई अमित भाई? 3 रुपए। मैं बोल सकता हूं यहां पे एक आइटम बना 3 रुपए का? हाँ। अब देखो, टोटल 20,000 आइटम्स बच गए इसमें से, चलो तो कितना कॉस्ट हो गया, 60,000 रुपए हो गया अपना आंसर। बता दो, कोई दिक्कत क्या अमित भाई? नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से, और अपन एक एक करके इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे जब अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है अहमद भाई? अपन ने स्टॉक की वैल्यूएशन भी सीखी, साथ ही साथ गाइज आप मेरे को ये भी बता देना, आओ मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लो साथ में हेडिंग डाल के, ये तो आप लिख ही लो, चलो सबसे पहले ये तो लिख ही लो, हाँ इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, और इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। वैसे हमसे पूछेगा लीफो लेकिन, सॉरी फीफो, लेकिन फिर भी तीनों अपने को पता होने चाहिए। ओके अमन भाई, चलो चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। हाँ जी अमन भाई, नोट डाउन कर रहे हैं। कर लो कर लो बाबा, नोट डाउन कर लो। मैं एक बार देख लेता हूं आपके लिए और क्या क्या है। आ, 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 आ। लिख लिया आपने? हाँ अमित भाई। अब देखो, हाउ टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट अपन के साथ पॉइंट लिखो, आओ। हाउ टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इन फीफो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तब भी आप फीफो ही लगाना, और अगर फीफो दिया होगा तब तो फीफो लगाना ही लगाना है, ठीक है? पता है क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखना। वी मेजर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस फॉलो
फीफो मेथड डन। हाँ जी अमित भाई डन, आ जाओ। क्या करेंगे इसमें देखो, कैलकुलेट यूनिट्स आपने कितनी प्रोड्यूस करी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेकंड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको उतनी यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट को बनाने का कितना खर्चा लगा। कैसे निकालूंगा, सिंपल सिंपल सी बात है बाबा। स्टेप नंबर टू डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर वन, चलो एक को आ गया। हाँ मैं भाई लास्ट, बस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कितना यूनिट्स है, इनटू 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 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट जो आपने निकाला था स्टेप नंबर थ्री में। दैट्स इट, काम खत्म, आपका आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत अमन भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। लास्ट गाइस, अपना ये क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत बार क्वेश्चंस में आएगा। मैं आपको बोलता हूं, जब तक मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर हूं इस स्टेज तक, कहां तक, तीसरा पायदान, हाय हाँ, जब तक आप तीसरा पायदान को फॉलो कर रहे हो, तीसरे पायदान मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, जब आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालने बोलेगा, जल्दी बता दो, यहां तक जब भी आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालने बोलेगा, आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, और इन चारों आइटम्स को, इन चार नहीं, इन पांचों आइटम्स को, इनफैक्ट पांच क्या, इन छह आइटम्स को से प्रॉफिट को भी, इन सबको आप डिवाइड करोगे पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे, आपने कितना यूनिट्स बेचा है। यहां तक क्या फॉलो करूंगा, आपने कितना यूनिट्स बनाया है, क्या किया है, बनाया है प्रोड्यूस्ड, और उसके ऊपर यहां पे नीचे किसको करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे, आपने कितना यूनिट्स बेचा है। अच्छा अमित भाई ये भी बता दो कैसे निकालते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सुन लो, क्या ये लगता है रॉ मटेरियल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। क्या आएगा देखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लस आपने कुछ सामान खरीदा, आपने रॉ मटेरियल खरीदा भी होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये बनता है मेरा, ये बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब भाई मेरे पास 10 किलो चावल रखे हुए थे, मैं 100 किलो चावल और खरीद के लेके आ गया, अभी आज की डेट में मेरे पास 20 किलो चावल बचे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा क्या कि मैं 90 किलो चावल खा गया होगा। हाँ जी अमित भाई, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिमिलरली देख लो, एक होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये बनता है फिनिश गुड्स के लिए, प्लस आपने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये बनता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज किसका, सेल्स का। जैसे मान लो मेरे पास पहले से ना 1000 यूनिट बन के रखी हुई थी, मैंने इस साल क्या किया, 9000 यूनिट्स और बनाई, और अभी मेरे पास 900 यूनिट स्टॉक में पड़ा हुआ है, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने 9100 यूनिट बेच दी, बाकी मेरे पास पड़े हुए हैं, बताओ डन। हाँ जी अमित भाई, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरे कॉस्ट शीट के कंसेप्ट को खत्म किया है, और कल की क्लास से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अमित भाई इतना आसान था क्या, इतना आसान चैप्टर था, आपको यहां तक किसी में भी कोई डाउट्स आया भाई, कोई डाउट्स नहीं आया, तो आई रियली विश कि आपको आगे भी कोई डाउट्स कैसे भी कभी भी नहीं आएंगे। ओके डन अमित भाई, डन डना डन डना डन डन। तो गाइस यहां पर हमने अपना चैप्टर खत्म किया, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। एंड एक बात याद रखना, आपको कभी भी कोई भी कैसी भी डाउट हो, आप आराम से मेरा चैनल फास्ट कॉस्ट FM by AB इस पे आप पिंग कर सकते हो। हाँ जी अमित भाई, हम इस पे आपको पिंग कर सकते हैं, और अगर आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी नाम से YouTube है, सब्सक्राइब कर दो, और
हमारे व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हो इन केस अगर बहुत ही बड़ी डाउट हो अमित भाई अर्जेंटली सॉल्व करवाना है 7903479393 ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर डन व्हाट्सएप ही करना कॉल मत करना कभी कभी अपन क्लासेस में बिजी भी होते हैं ओके ओके अमित भाई तो ओके गाइज बाय बाय टेक केयर आज की क्लास खत्म होती है अपना ध्यान रखना और अपने कॉस्टिंग और एफएम के पेपर की टेंशन मत लेना क्योंकि आपके अमित भाई आपके साथ है ना ओके गाइज बाय बाय।